मेरे दाता, मैं तुझसे मांगते मांगते बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन तू है कि मेरी सुनता तक नहीं। मैं सदा तुझसे एक लड़के की भीख मांगता हूँ और तू हमेशा मुझे निराश कर देता है। 6 लड़कियों के बाद अब तो एक लड़का दे दे प्रभु, मेरे बुढ़ापे का सहारा। चौधरी, चौधरी क्यों, क्या खबर लाए हो? चौधरी तुम्हारे घर क्या फिर लड़की पैदा हुई है? नहीं चौधरी, इस दफा तो लड़का पैदा हुआ है। लड़का? लड़का? हे भगवान, तू धन है, तेरे घर देर है अंधेर नहीं। जा सोहन, आज सारे गांव को हमारी तरफ से दावत दे दो और उनसे कह दो कि हमारे घर नाच और गाना होगा। बहुत अच्छा चौधरी। चौधरी, जुग जुग जिए पैदा होने वाला, कुछ थोड़ी सी दक्षिणा हमें भी मिल जाती। अरे भाई, कौन हो तुम? सरकार, हम किस्मत का लिखा हाथ देखकर बताते हैं। अरे ये तो ज्योतिषी है, ज्योतिषी। चलो अंदर चल के बच्ची का हाथ देख लो। हाँ हाँ, चलिए चलिए। काकी, ज्योतिषी आया है, जरा बच्चे का हाथ तो बाहर निकालो। गुरु मंगल शनि, वाह 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 माँ जी, वाह वाह वाह। आहा चौधरी, किस्मत हो तो ऐसी हो, न गम न फाका, बस ऐश ही ऐश है। और क्या क्या लिखा है इसकी किस्मत में? क्या क्या लिखा है? अरे मैंने तो ऐसा भगवान हाथ अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। सुना गंगू, मेरे घर राजा पैदा हुआ, राजा। चौधरी साहब, तो फिर इसका नाम राजा ही रख दो। चौधरी, तेरा बेटा किस्मत का बड़ा धनी है। जब ये बड़ा होगा तो इसके आगे पीछे मोटरें घूमेंगी मोटरें। सुना भगवान, हमारे बच्चे के आगे पीछे मोटरें घूमेंगी मोटरें। हे भगवान, तू धन है। अरे ज्योतिषी, तूने सच कहा था, आगे पीछे मोटरें फिरेंगी मोटरें।
वाह वाह क्या गला है, कयामत है कयामत। आधे दर्जन की कसम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको अपने सुरीले गले का राज बताती हूँ। इस छोटी सी शीशी का नाम है गला खोल दवाई। इसके इस्तेमाल से चाहे कितना ही बेसुरा गला क्यों ना हो, घंटी की तरह सुरीला हो जाता है। क्या कीमत है इसकी? कीमत? हाजी साहब, अच्छी चीज की भी कोई कीमत हुआ करती है। अमीर के लिए 100 रुपए और गरीब के लिए सिर्फ 1 रुपया। अगर हमारा कहना गलत हो तो अगले एतवार को आप अपने पैसे वापस ले जा सकते हैं। क्यों बाबा? हाँ ठीक है। अच्छा, जिसको दवाई की जरूरत हो आगे बढ़िए। आइए साहब, अनमोल रत्न है ये, ले जाइए। तुम लोगों ने सबने खुलने की दवा ले ली। तुम लोग थिएटर में काम करते हो, फिल्म कंपनी में? लेना हो क्या? 420 है क्या? दवा निकालिए क्या, आवाज खुल जाएगी बाबा। क्या सोच रहे हो राजा? राजा तुमने मेरा नाम कैसे जाना? रानी, जैसे तुमने। तुम्हारा नाम रानी और मेरा नाम राजा। वाह मालिक, क्या कहने हैं। सब ने मिलाई जोड़ी, एक अनाथ एक कोड़ी। चलो भाई, कोड़ी था पुत्र कोड़ी। दवाई नहीं खरीदोगे? दवाई? बात ये है रानी कि मेरी आवाज कुदरती सुरीली है और मेरा गला इतना खुला हुआ है कि पूरी मोटर पास हो जाती है। और जब मैं गाता हूँ तो खिड़कियाँ खुल जाती हैं, घंटी की आवाज आने लगती है, टनाटन टनाटन टनाटन। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। तुम जा रही हो? हे रानी, हे रानी, क्या प्यारा नाम है रानी। तुम्हारी लापरवाही से मोटरों में टक्कर हुई, हम तुम्हें 1 साल के लिए नौकरी से अलहदा करते हैं। मेरे मालिक, इतने जल्दी फैसला ना कीजिए। आपकी 2 बूंद स्याही से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सारे खानदान में मैं अकेला कमाने वाला हूँ। बाप है तो वो बेकार, माँ है तो वो बेकार, आधी दर्जन बहने वो सबकी सब बेकार, मेरा मतलब कुंवारी है। अब आपकी दया से मैं भी बेकार हो रहा हूँ। चुप रहो राजा, हम अपना फैसला नहीं बदल सकते। आज से 1 साल बाद नौकरी पर हाजिर हो जाना। बहुत अच्छा सरकार, मैं अगले साल 15 दिसंबर को आ जाऊंगा। मेरी प्यारी आधी दर्जन बहनों, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारा इकलौता लाडला भाई बेकार हो गया। तो अब हम खाएंगे क्या? मुझे भी इसी बात की फिक्र है, मगर फिक्र करना बेकार है। जिसने दिया है तन को वही देगा कफन को। मेरे कहने का मतलब ये कि जिसने पैदा किया है वही खाने को भी देगा। फिर क्यों ना हम लोग अपनी फिक्र उसके हवाले कर दें। मेरी माँ, माँ मेरी जान अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, तू चिंता ना कर। जब तक राजा जिंदा है दुख दर्द तेरे नजदीक भी नहीं आ सकते। मैंने फैसला कर लिया है, रोजी कमाने के लिए मैं भगवान से लड़ूंगा, दुनिया से लड़ूंगा, अपने आप से लड़ूंगा। तुम इस काबिल होते तो रोना ही किस बात का था। तुम तो निखट्टू निकले निखट्टू। मुआ कहीं ज्योतिषी मिल जाए तो उसकी हड्डी पसली नरम कर दूं। मुआ कहता था कि मोटरें आगे पीछे फिरेंगी। माँ, अगर मोटर आगे पीछे नहीं फिरेगी तो एक दिन सर पर जरूर फिरेगी। तो मुझे आशीर्वाद दे। अच्छा राजा, अच्छा मालिक, चल दिए। जेंटलमैन होटल। जेंटलमैन तो हम भी हैं लेकिन जेब खाली। यहाँ हिंदुस्तानी खाना असली घी से बनाया जाता है। कीमत वाजिबी। कीमत हीमत की बात गलत है। जरा इज्जत से बाबा, क्यों जेंटलमैन होटल का जुलूस निकाल रहे हो? बटन खोले, चल चल। जरा इमदाद कीजिए भाई साहब। क्यों भैया, चोट तो नहीं आई? कमबख्त, ये होटल वाले बड़े बदतमीज, खाने का पैसा लेते हैं ऊपर से धक्का देते हैं। दोस्त, किस कमबख्त ने पैसे दिए? अच्छा जी, तो तुम भी मेरे भाई हो, गले मिल जाओ। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। है यार,
बात ये है कि भूख तो मुझे भी लगी हुई। घबराओ नहीं, अंदर चले जाओ, खाना खाने के बाद इसी तरह तशरीफ ले आना जिस तरह मैं आया हूँ। मगर एक बात तो बता, ये होटल वाले बहरे जोर से फेंकते हैं या आस्ते से? घबराओ नहीं, इस होटल के बहरे बहुत दुबले पतले हैं, इसीलिए तो मैं रोज यहाँ खाना खाने आता हूँ। बड़े बेशरम हो यार, अच्छा मालिक चल दिए। आगे आगे देखिए बेटा होता है क्या। माफ कीजिएगा, जब दो आदमी एक टेबल पर बैठते हैं तो जरा भूख अच्छी लगती है, मैं इसलिए आपके साथ बैठ गया। कोई बात नहीं, जैसे मैं ग्राहक वैसे आप। मैं ग्राहक जरा दूसरी किस्म का हूँ। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं? जी हाँ। ए, बेरा, इधर आओ, खा लो, क्या जल्दी आओ। आजू अबे ऊपर क्यों चढ़ा था भैंसे की औलाद, मालूम होता इस होटल में कोई शरीफ आदमी नहीं है। तेरे यहाँ क्या क्या है खाने? ये देखिए हुजूर, पसंद कीजिए। मैं चश्मा घर छोड़ आया हूँ, तू पढ़ के सुना। अच्छा तो सुनो, मटर, आलू, पालक का साग और कद्दू। कद्दू? हाँ। अबे कद्दू भी कोई खाने की चीज है? हाँ। ये तो हम रोज घर पे खाते हैं, कोई दूसरी चीज बता। हाँ, हाँ। सुनिए, सलगम, बैंगन और फ्राई दाल। फ्राई दाल? हाँ। ये फ्राई दाल क्या चीज है, किस भला का नाम है? हजूर तली हुई दाल। तली हुई दाल? अंग्रेज हिंदुस्तान से चले गए मगर अपना फ्राई पैन यही छोड़ गए हैं। अच्छा जा, दो दो प्लेट लिया। दो दो प्लेट? अबे हाँ, मैं कोई कहता हूँ, तीन तीन लिया, जा, खड़ा मुंह क्या देखता है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, लीजिए आपके बारह। तुम ले लो। सलाम। सलाम। मैंने कहा शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? आपकी हमदर्दी। ला दोस्त ला। अबे तीन प्लेट मंगाई थी तो दो ही लाया। हाँ हाँ साहब, यही तीन प्लेट है। हाँ? अच्छा तो जाओ। अच्छा। तो कचूमर अचूमर ले आ जल्दी से। अच्छा। सूखी रोटी लाया। वाह भगवान, आज तो खूब पेट भर के खाना खिलाया है, क्या तेरी लीला है। ए बॉय, ये लीजिए साहब आपका बिल। कितने का है? सात रुपये चार रन। सात रुपये चार रन बस? अच्छा सीधा खड़ा रहा है, टेंशन। हाँ तेरे को भी आठ आने दूंगा। ए पांडुरंगा, मैं तो हो गया नंगा, अब होगा होटल वालों से दंगा। क्यों साहेब, बहुत तकलीफ थी आपको? अच्छा तो खाक साहब चलती। अच्छा जी, चोर को मोर। ए बहरे साहब। हाँ। आज उधार चलेगा? उधार? Thank you.
गो ट्रेटर। अरे ट्रेटर नहीं, थिएटर है। थिएटर? हाँ, जाओ ना। जाओ। हाँ। रानी, उसके हाथ में बड़ा लंबा डंडा है, मुझे डर लगता है। तुम ही कोई तरकीब निकालो ना। अच्छा तो मैं उसे बातों में लगाती हूँ और तुम चुपके से एक दो तीन हो जाना। सुनो, मैं तो एक दो तीन हो जाऊंगा मगर तुम जरा होशियार। क्या ढूंढे था? तो का सारे शहर में खोजत खोजत हार गई, बड़ी मुश्किल से तो हार पता मिला है। हम का ढूंढत रही? अरे बतावा बतावा, का बात है गोरी? हमरे बाप ने हमार शादी एक बुढ़े खूसर से कराने की ठानी है। हम देश से भाग कर आई हैं, जो कौन भैया हो तो हमार शादी कराई दो। तुहार शादी? तो का कोनो गबरू जवान चाहिए? भगवान देत है तो घर बैठे देत है। सुनो तो। अरे बतावा ना गोरी, बतावा ना। कोई ऐसा हो जाकी मोटी मोटी आँखें, लांबी लांबी मूछें और चौड़ी चौड़ी छाती हो। अरे तो गोरी, हम जैसा गबरू जवान कहाँ मिलिए तो का? सच, हमका मंजूर है। उधर का देखो सैया, हम संग आँख मिलाओ ना। अरे तोरे संग आँख का, तोरे संग तो दिल मिलाए बैठे है गोरी। एक बात बताई तो का, तुहार बात में मिश्री खुली है। जी चाहत है आँख मूंद के बस तुहार राम कथा सुने जाए। तो हमका का उजर है? सच? तुम आँखें मूंद लो, हम बोलत जाए। भाई इतनी सी बात? अरे आँख तो आँख गोरी, अगर तुहार हुकुम हो तो दिल की धुक धुकी भी बंद कर लीजिए। ला इला आँख बंद कर लेते, बोला। हम तुहार मेहरबानी कभी ना भूलब। सच? हे राम, हे राम। बोला गोरी, बोला। अरे बोला। अरे गोरी एक बात बताई, अजी चाहत है तो का एक बार गले से लगाए ले। करमो ही हमका दगा दई के चली गई। क्या करूं सजनी आए न बालम, क्या करूं सच। राजा हा? ये क्या लिखा है? जरा हटा तो। ओ एफ आई सी एस ऑफिस पोपट। नहीं नहीं नहीं, ये प्रोप्राइटर नथुराम गोप, प्रोड्यूसर नथुराम गोप, राइटर नथुराम गोप, डायरेक्टर नथुराम गोप। गोप गोप गोप, हजाम गोप, दर्जी गोप, ये गोप वो गोप। तुम भी किस भुक्कर कंपनी में ले आए हो राजा? चलो चले यहाँ से। अरे जरा ठहरो, तुम नहीं जानती ये फिल्म कंपनी और थिएटर कंपनी ऐसी होती। ये बड़ी मशहूर कंपनी, इसका मालिक जो गोप है ना, हद से ज्यादा कंजूस है। जितना मोटा है उतना ही खोटा। हाँ तो मिस जलवा, रिहर्सल के लिए तैयार हो जाओ। हाँ मिस जलवा, जरा आंखों में प्यार भर कर कहो। प्यार का मतलब लव भर के। हाँ। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो आज न जाने मैं कहाँ होती। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे नई जिंदगी दी है। जिंदगी नहीं, जिंदगी कहो मिस जलवा, जिंदगी। और साथ साथ जरा एक्टिंग का भी ख्याल रखो। तुम दो पैसे का असिस्टेंट होकर हमें एक्टिंग सिखाती है? हम बड़े बड़े एक्टरों का साथ काम किया है, गोप सेठ के साथ काम किया है। तुम हमारा इंसल्ट करता है, हम गोप सेठ को बोलेगा तुम्हारी शिकायत करें। गोप सेठ, गोप सेठ। मिस जलवा क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? देखो ये आपका असिस्टेंट कहता है हमको एक्टिंग करना नहीं आती। क्या कहता है वो? तुम्हें एक्टिंग करना नहीं आता? कहा वो कहते कि तुम? यस सर। मिस्टर भूषण एमए, तुम कोड़ी कभी आदमी नहीं, तुझे गधे चराने चाहिए। यहाँ भी तो यही काम करता हूँ साहब। वेरी गुड। देखा गोप सर, ये आपको गधा कहता है। क्या कहा? गधा? मैं गधा? यस सर। यानी कि तुम मुझे कहते हो? नो सर, नो। मुझे कहते हो गधा? मैं गधा? नो सर। में चमेली का तेल लगा के असिस्टेंट बनने को आए। गेट आउट, गेट आउट। सुना नहीं? गेट आउट, गेट आउट। मिस जलवा जी, अब मैं तुम्हें रिहर्सल कराता हूं। कहो, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते
अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते। कुर्बान जाऊं इस एक्टिंग पे। अगर जरा अब मिस जलवा सीने पे हाथ रख दो, आंखों में मस्ती भर दो और मेरी तरफ देखो। हाँ, अब देखो ना, ये दाहिना कदम 2 फुट 6 इंच आगे और बायां कदम 1.5 फुट पीछे। वाह वाह, क्या डायरेक्शन। कौन है बे तू, है कौन है बे? मजा आ गया, आधी दर्जन की कसम, ऐसा काबिल डायरेक्टर तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आपने तो बही और दर्दी के भी कान काट लिए। आप तो बाकायदे नाप तोल कर डायरेक्शन कर रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया, स्टेज का डायरेक्शन ऐसा ही होता है। तुम कौन? मैं राजा। राजा कहाँ का राजा, किस रियासत का राजा? अरे भाई, एक भूखी रियासत है उसका। भूखी रियासत? हिंदुस्तान में तो गई नहीं वो। अरे वो हिमालय पहाड़ पे। हिमालय पहाड़ पे। तुम्हारा नाम क्या है? गुलाम चंद। गुलाम चंद भूखी रियासत, ये भी कोई नाम है? अरे हाँ भाई, जैसे गीता निजामी, मुमताज शांति, दाऊद चंद, से ही गुलाम चंद। गुलाम चंद, बोलो गुलाम चंद, क्या चाहते हो तुम? मैं आपके लिए मद्रास से एक अनमोल हीरा लाया हूँ, यानी मिस रानी, इनकी आवाज में जादू, इनके हुस्न में कयामत और चाल में बिजली। बस बस, हमें बिजली की जरूरत नहीं, यहाँ पहले ही बहुत हैं। हाँ आप तो मजाक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, इस प्रकटी हीरोइन से आप अपना थिएटर कैसे चलाएंगे, जो तुमको तुम, प्यारे को प्यारे और दिल को दिल कहती है। गुलाम चंद, तुम मेरी हीरोइन की हद तक कर रहे हो। माफ कीजिएगा, मैं आपकी हीरोइन की हद तक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इनकी जबान की हद तक कर रहा हूँ। जब तक आप इनकी जबान से अपनी जबान ना मिलाएंगे, इनकी जबान कभी ठीक नहीं होगी। असिस्टेंट असिस्टेंट, अरे मुंह क्या देख रहे हो मेरा, निकाल दो दोनों को बाहर। आप तकलीफ ना कीजिए, हम लोग खुद चले जाएंगे। रानी चलो, यहाँ हिंदुस्तानी माल की कदर नहीं। चल चले। मिस जलवा, तुम कोई ख्याल नहीं करना, इसकी कुछ आदत ही ऐसी है। आओ रिहर्सल करें। छोड़ो राजा, तुमने तो कहा था कि यहाँ आते ही नौकरी मिल जाएगी, यहाँ तो धक्कों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। बड़े आए थे नौकरी दिलाने। हाय हाय, अरे पगली, तूने राजा को अभी तक नहीं पहचान? तू समझती है कि राजा के पास एक बीमारी का एक इलाज है? अरे मेरे पास तो एक बीमारी के 100-100 इलाज है। तू आ तो सही मेरे साथ, देख मैं क्या करता हूँ। अरे मैं कहता हूँ चल। भाई साहब, आप हीरो का काम करते हैं या बदमाश का? आप हीरोइन का काम करती हैं या बदमाशन का? आप लोग कौन हैं? हम लोग राजा, कैसी लगती हूँ मैं? आईना ना देखो कि घबराता है दिल, तुम जो बनती हो बिगड़ जाता है दिल। हटो, तुमने तो मजाक शुरू कर दिया। अरे गोरी ना मारो ननवा के तीर। अरे घंटी बजने लगी रानी, चलो जल्दी चले। चल नमस्ते गोपी। नमस्ते गुलाम चंद। देखो भाइयों, हम आप लोगों को गाना सुनाना चाहते हैं और ये मोटा अक्ल का खोटा हम लोगों को गाना गाने नहीं देता। भाइयों और बहनों, ये हमारी कंपनी के नौकर नहीं, हमारी हीरोइन तैयार है, ये नकली हीरोइन लेकर यहाँ आया है। एक और मेरी तरफ। बस 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 भाइयों, बस बस बस, आप जाने दो जाने दो, चल से चल चल चल। जिसने इस दुनिया में आकर दिल ना दिया और दिल ना लिया, जीने को 100 साल जिया, पर हम तो कहेंगे खाक जिया। ओ दिल वालों, लगाना अच्छा है।
पर कभी कभी ओ दिल वालो दिल का लगाना अच्छा है पर कभी कभी दिल में किसी का प्यार बसाना अच्छा है पर कभी कभी दिल में किसी का प्यार बसाना अच्छा है पर कभी 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 ओ दिल वालों दिल का लगाना अच्छा है पर कभी कभी अपना आप जलाए शमा न हो तो परवाना क्यों अपना आप जलाए किसी की खातिर जान जलाना अच्छा है पर कभी कभी किसी की खातिर जान जलाना अच्छा है पर कभी कभी ओ दिल वालों दिल का लगाना अच्छा है पर कभी कभी दिल में किसी का प्यार बसाना अच्छा है पर कभी कभी आपने तो बस कबाली कर दिया मिस्टर गुलामचंद गुलामचंद हाँ गुलामचंद नहीं हमको राजा कहो वो हमारा फिल्मी नाम अच्छा 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 मिस्टर राजा आपने मुझे पहले क्यों ना बताया कि मिस रानी इतना अच्छा गाती है हाय हाय इतना अच्छा नाचती है और मैं ओ आप अरे आप तो बस कमाल ही है आप गाते हैं अरे बस जैसे कि जादू कर देते हैं आप जादू मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे यहाँ नौकर हो जाए नौकर हाँ क्या हुआ बड़े आए हैं नौकरी देने वाले पहले तो हमें धक्के देके ऑफिस से निकाल दिया आप कहते हैं नहीं नौकरी नौकरी देंगे बड़े मोटा सेठ कहेगा चलो राजा हाँ। हमें नौकरी नहीं करनी चलो चले नौकरी नहीं करनी मिस रानी गलती इंसान से होती है आप मुझे माफ कर दीजिए ना नहीं नहीं मैं आप को और आपके साथी को 400 रुपया माहवार दूंगा 400 रुपया आपको कम लगते हैं चलो 500 रुपया 500 रुपया क्या हुआ क्या बात हुआ ए पांडू ए पांडू एम्बुलेंस को बुलाओ मां अब मैं कैसा लगता हूं अरे अब तो राजा लगता है राजा वो ज्योतिषी सच ही कहता था माँ वो ज्योतिषी मिल जाए तो मैं उसकी बलाएं ले लूं उसे गले से लगा लूं सर आंखों पर बिठा लूं अगर वो जालिम मान जाए तो थिएटर का एक्टर बना लूं अरे बेटा पहले तो खुद तो एक्टर बन जा माँ अब भी कोई कसर बाकी है आंखों में सुरमा लबों पर पान है सारे शहर भर के कत्ल का सामान है मेरी नन्नी मुन्नी बहनों तुम्हारे भैया को नौकरी मिल गई आप लोग ये सुनकर खुश होंगी कि मैंने एक अदद भाभी का इंतजाम कर लिया सच भैया बेटा तूने कहीं लड़की भी देखी है माँ मैंने लड़की को नहीं देखा है लड़की ने मुझे देखा है चलते चलते मुलाकात हो गई या यूं समझिए कि सारी बात हो गई बहनों तुम भाभी का इंतजार करो और माँ तू बहू का अब मुझे शर्म आती है कहते हुए माँ तू मुझे आशीर्वाद दे बेटा मेरा आशीर्वाद है तो कहीं भी जाए भगवान तुझे सुखी रखे और बहुत बड़ा एक्टर बनाए मेरे प्यारे भगवान मेरी माँ की आशा पूरी करना मैं तेरा पापी बंदा हूँ और तू क्षमा करने वाला है मैं इसी तरह पाप करता रहूं और तू इसी तरह क्षमा करता रहे देखना हमारी तुम्हारी दोस्ती में फर्क ना जाए हाँ
अच्छा कह गुमान करे मिस साहबा ये थिएटर है, यहाँ शर्म नहीं चलेगा, यहाँ तो फ्री एक्टिंग चाहिए। मिस जलवा कब से ये क्या हो रहा है? सीन सोच रहा था। सीन सोचा था या चक्कर काट रहा है? ये चक्कर काटते ही सीन सोचा जाता है। ओ, तुम तैयार हो जाओ, अभी पर्दा उठने वाला है, जल्दी जल्दी आ जाओ ना। कभी नहीं सीखेगी ये। राजा रानी तैयार? जी हाँ। राजा, ओ राजा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? क्या बताऊं गोट सेठ, क्या हुआ? आज मेरा दिल न जाने क्यों बैठा जा रहा है। ऐसा अक्सर होता है भाई, जब मैं पहली बार स्टेज पे आया था ना, तो मेरा कद 7'6" का लंबा था, अब देखो ना काम करते करते 5'3" रह गया। गोट सेठ, छोटे तो हो गए हो लेकिन मोटे भी। तुमने भी मजाक करना शुरू कर दिया, काम में ध्यान रखो रानी, मोटा। गोप सेठ, क्या एक बात सुनो? हाँ कहो कहो। नाराज तो नहीं हो गए? अरे तेरी बात पे कभी नाराज हुआ हूँ मैं? आज तुम यतीम से मालूम होते? क्या कह रहे हो, देखो मैंने बोल लगा, ये मेरे माँ बाप भी हैं, यतीम मालूम होते। मगर तुम शक्ल से खानदानी यतीम। देखो राजा, मैं तुम्हें नोटिस देता हूँ, लड़कियों के सामने ऐसी बात ना क्या करो। नाराज हो गया मेरा उगालदान? उगालदान उगालदान क्या बोलता है, जल्दी जा पर्दा उठने वाला। अरे हाँ वाकई, तुम भी तैयार हो जाओ, पर्दा उठने वाला है। रानी, घंटी बजने में बाकी 5 मिनट है। 5 मिनट उगाल दा, ये भी उगाल दा। क्या हुआ? जल्दी छुप जाओ, छुप जाओ जल्दी। क्यों छुप जाऊं, क्यों छुप जाऊं? जापान के बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक हाथी मांगा है। हाथी मांगा है तो मैं क्या करूं? सरकारी सरकारी आदमी तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं और पकड़ के जापान भेज देंगे। रोती क्यों, रोती क्यों? ये तो और भी अच्छा हुआ, मैं जापान जाऊंगा और जलवा तुम्हें बुलाऊंगा। क्या कहा, मुझे जापान भेज देंगे? इसका मतलब कि मैं हाथी? हाँ कह रही हो? सच बताओ, तुम्हें ये राजा ने सिखाया? राजा ने सिखाया कि नहीं, बताओ? कमबख्त, मुझे हाथी कहती सर, सर का बच्चा। क्यों, तुम भी कोई जापान से खबर लाए हो? अब उन्होंने क्या रीछ मांगा है? नहीं सर। तो राजा की तबीयत कुछ खराब है, वो कहता है शायद मैं आज काम ना कर सकूं। राजा की तबीयत खराब है? हाँ, वो तो मुझसे भी यही कह रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। अब क्या होगा, अब क्या होगा? मैं, हाँ सुनो सुनो, राजा से कहो कि आज पूरा दिन आराम करे और कल सुबह 9 बजे पहुंच जाए, समझे? उसकी जगह पे मैं काम करूंगा। बहुत अच्छे, अरे बहुत अच्छा का बच्चा, जाओ ना है? बहुत अच्छा। हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए, हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी
बिछड़ के हो गए हम सन्यासी आज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी आज लूंगी बांध के करें गुजारा भूल गए पतलून तुम्हारी याद सताती है दिया में आग लगाती है मेरे पिया के मिस्टर डिसूजा मुझे अपने स्टाफ के लिए कुछ कमरों की जरूरत है गोप साहब हमारे पास इस वक्त सिंगल रूम ही खाली है हाँ ठीक है यहाँ भी कोई डबल नहीं क्यों राजा है तो नहीं मगर बहुत जल्द होने वाले हाँ तो भाई तब तक डबल रूम भी खाली हो जाएंगे लिखिए 18 रूम्स अटैच्ड बाथरूम यस श्याम क्या बे अबे मौत 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 किसकी दोनों की वो देखना उधर बरखुरदार तुम अपनी तरफ से बड़े गुलफाम बने फिरते हो इस सब्ज परी से बात करके दिखाओ तो जाने ऐसे नहीं अगर शर्त लगा तो शर्त हो गई 10-10 रुपए की हो गई माफ कीजिए क्या आपका नाम मिस निगार सुल्ताना है जी नहीं मुझे रानी कहते हैं ओह लेकिन आपकी शक्ल उनसे बहुत मिलती है इसीलिए मुझे धोखा हुआ मिलती होगी मुझे क्या देखिए मेन साहब मुझे प्रोफेसर शुतुरमुर्ख कहते हैं शुतुरमुर्ख जी हाँ शुतुरमुर्ख मैं आपको एक छोटा सा जादू दिखाना चाहता हूँ मेरी आंखों में देखिए मेरी आंखें रंग बदलती हैं रंग बदलती हैं जी हाँ रंग बदलती हैं देखिए मेरी आंखों में देखिए मेरी आंखों में देखो देखो अरे मैंने अभी अभी आपकी आंखों में लाल रंग बदलते देखा है शुक्रिया अजी साहब ये तो कुछ भी नहीं मैं ऐसे कई खेल जानता हूँ फिर मौका मिला तो दिखाऊंगा अच्छा नमस्ते अजी जनाब जा कहाँ रहे हैं आपकी दुआ से मैं भी एक जादू जानती हूँ जादू जी हाँ देखिए ना जी हाँ आपने कभी किसी को हथेली पे सरसों जमाते देखा है जी नहीं मेरी हथेली पे गौर से देखिए अभी सरसों जमेगी गौर से देखिए मैं कहती हूँ गौर से देखिए फिर कभी किसी लड़की को मत छेड़ना बदतमीज खूब सरसों जमाइए हथेली पर भाई वाह मजा आ गया शाम लो भैया ये 10 रुपए अपनी शर्त के और ये 10 रुपए मरहम पट्टी के तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो रणधीर लेकिन याद रखो जो हाथ मुझ पर आज थप्पड़ बनकर उठा है वही हाथ एक दिन मेरे हाथों में होगा प्लीज साइन 18 रूम जो तक मैनेजर जी साहब ये लड़की कौन थी बहुत तकलीफ है हुजूर को क्या कहा मेरा मतलब ये कि मिस हीरो मिस रानी है गोप थिएटर की हीरोइन है और मैं हीरो हचीरा जी आई एम द प्रोप्राइटर मिस्टर गोप मिस्टर गोप हां साहब ये क्या काम करती वाह 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 वा, बस जादू करती है जादू अब तक तो हजारों आदमी बेहोश हो गए हैं अच्छा तो हीरो साहब आज रात आपका थिएटर देखा जाएगा शुक्रिया कोई बात नहीं कोई बात नहीं राजा हा? तुम अपनी आदत से बात ना होगे मांग के सिगरेट पीते हो ये डब्बा क्या रखा था अरे तू तो कंजूस है कंजूस? का पैसा नहीं दे अरे रोज 3 डब्बे पीते और प्रैक्टिस फिर भी करता तो सब हमारा पेन ये लड़का कौन था किसी जागीरदार का लड़का है हमारे होटल में ठहरा हुआ है पैसे वाला है पैसे जी हां जी हां जहाँ
मजेदार है जी पर मजेदार है मोहब्बत के थाने में मोहब्बत के थाने में ये दिल थानेदार है ये दिल हवलदार है ये दिल चौकीदार है प्यार के जहान की निराली सरकार है निराली सरकार है मोहब्बत के थाने में मोहब्बत के थाने में ये दिल थानेदार है ये दिल हवलदार है ये दिल चौकीदार है जो तुम्हारी फोटो खींचनी है अपने पेपर में देने के लिए अरे भाई कैमरामैन जी जरा ठहरना मैं भी हूं अब जरा मुस्कुराइए वेट प्लीज एक मन चालीस शेर वेट इसका मतलब वजन नहीं मिस्टर राजा बल्कि मैं कह रहा था कि आपके फोटो मैं बाद में लूंगा अच्छा जी इनकी पहले बात में हमारे अरे कम वक्त जरा मर्दों की इज्जत करना तो सीखो चपड़ घोचन है आप अच्छा जरा मुस्कुराइए शुक्रिया मिस रानी आपने तो कमाल ही कर दिया झूठ बोलने वाले पर सौ सौ लानत आपने तो फिल्मी एक्ट्रेसों के भी कान कतर दिए कहीं जी की तरह जबान ना चलाइए आपको अंदर आने की इजाजत किसने दी मेरे दिले बेकरार ने तो कल का थप्पड़ भूल गए शायद आप कैसे भूल सकता हूँ उसकी मीठी याद तो अभी तक मेरे दिल में चुटकियां ले रही है अबे ओ चुटकी की औलाद तुझे अंदर किसने आने दिया देखिए साहब शराफत से काम लीजिए मिसरानी मैं आपको हीरे की अंगूठी पेश करना चाहता हूँ हीरा और तुम्हारे पास न जाने कहाँ से चुरा कर लाए हो अंगूठी रानी को देकर हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हो बंदा परवर आप मुझ पर शक क्यों करते हैं मैं एक जागीरदार का बेटा हूँ कोई चोर उचक्का नहीं अबे मैंने भी 3 साल सिपाही की नौकरी की चोर को खूब पहचानता हूँ समझे अगर तुम अपने चौकटे की खैरियत चाहते हो ना तो सीधे जागीर चले जाओ वरना राजा क्या बात है अरे कुछ नहीं मोटा सेठ जान ना पहचान रानी को हीरे की अंगूठी देने आए जरा सूरत तो देखिए अंगूठी देने आए अच्छा तो आप हैं लाइए तो वो अंगूठी जी लीजिए ठीक 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 ये अंगूठी मिस रानी के लिए आप मेरी आर्टिस्ट को क्या समझते हैं कांच की अंगूठी ले जाइए फिर दो अरे क्या कर रहे हैं अजीब आदमी आप मैं आपके आर्टिस्ट की कदर करने आया हूँ और आप हैं कि मेरी बेइज्जती कर रहे हैं शायद आप जानते नहीं मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसे हजारों बेवकूफ पतंगे इस थिएटर के जो चक्कर लगाते हैं शराफत से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा राजा का मुक्का बहुत जबरदस्त है मुझे भी तजुर्बा है एक दो तीन की जरूरत नहीं मैं जाता हूँ यहाँ का यहाँ इन ये आउट है अच्छा हुआ चला गया वरना मैं इसकी हड्डी का सुरमा कर देता मैं इसकी हड्डी का सुरमा कर देता अबे तुम्हारे खानदान में कभी किसी ने मक्खी भी मारी है अबे मक्खी नहीं तो जैसे कही खाती मारी ख्वाब में मारे होगे ख्वाब में खामोश अच्छा तुम आते रानी तुम मेकअप निकाल अच्छा खामोश जा होटल जा देखा रानी ये सब नाम की बलिहारी जब तुम गलियों में गाती फिरती थी तो कभी चौदाने के सवा चौदाने नहीं हुए
और अब जागीरदारों के लड़के हाथों में दिल लिए हुए हीरे की अंगूठियां देने आते है ना? लेकिन राजा, रानी तो अभी तक वही गलियों की रानी है। दुनिया उस रानी को भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूली। नाम बड़ा होने से आदमी बड़ा नहीं बन जाता। अरे पगली, अभी संडे टू संडे 8 दिन हुए हैं, फिर ना जाने तुम भी कभी भूल जाओ। अच्छा मालिक, चल दिए। खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ जाती है। थिएटर न सही, होटल ही सही, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। अच्छा तो आप हैं? जी, आपका गुलाम, दिले बेकरार। चुप रहो, तुम जानते हो रात को बिना इजाजत किसी औरत के कमरे में आना कितना बड़ा जुर्म है। जी मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये जुर्म है और उसकी बहुत बड़ी सजा है, लेकिन क्या करूँ, इस दिले बेकरार को कमबख्त दिमाग का कहा ही नहीं मानता। मैं अभी पुलिस को खबर करती हूँ, दिल और दिमाग दोनों का इलाज हो जाएगा। अगर आप सच्ची मोहब्बत को जेल में देखना चाहती हैं तो शौक से पुलिस को बुलाइए। तो आप क्या समझते हैं, मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी? बारा, जरा जोर से। चुप रहो, बारा। हाँ हाँ, डर आएगा, पुलिस आएगी, मेरी गिरफ्तारी होगी, लेकिन याद रखिए मेम साहब, मेरे साथ आपकी भी बदनामी होगी। मर्द 100 बार बदनाम होकर भी इस दुनिया में रह सकता है, लेकिन औरत के माथे से बदनामी का एक धब्बा भी नहीं धोया जा सकता। आप क्यों तकलीफ करती हैं, मैं बुला देता हूँ बैरे को। बैरा, क्या कर रहे हैं आप? बैरे को बुला रहा हूँ। भगवान के लिए शोर न मचाइए। बैरा जी, देखिए कुछ तो ख्याल कीजिए मेरा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं आपको बदनाम नहीं करना चाहता मेम साहब, मैं आपका बोझ हल्का कर रहा हूँ। आप पुलिस को बुलाना चाहती है ना? मैं बैरे को बुलाऊंगा, बैरा पुलिस को बुलाएगा। जोर से ना बोलिए, देखिए कोई सुन लेगा। शायद आपने अपना इरादा बदल दिया, शुक्रिया। देखिए आप मेरी कमजोरी से फायदा ना उठाइए, अगर आप में कुछ भी शराफत है तो यहाँ से चले जाइए। जाने को तो चला जाऊं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त? वो क्या? आपको ये अंगूठी लेनी होगी। अंगूठी क्यों देना चाहते हैं आप? आपकी सादगी का भी जवाब नहीं, हर बात जबान से कहनी पड़ती है, आंखों की जबान नहीं समझते आप। मुझे सब कुछ समझने की जरूरत नहीं। आप समझे या ना समझे, मैं दिल की जरूर कहूंगा। हमारी पहली मुलाकात का बहाना एक मजाक था, मुझे क्या खबर थी कि ये मजाक बढ़ते बढ़ते एक दिन प्यार बन जाएगा। ये झूठ है, कभी किसी को एक नजर देखने से भी प्यार हुआ है? क्यों नहीं, आपने कभी हिंदुस्तानी फिल्में नहीं देखी? हीरो हीरोइन होटल में, सिनेमा में, सब्जी मंडी में, बर्तनों की दुकान में, हवाई जहाज में, खटारे में एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही दिल दे देते हैं, और कई बार तो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अच्छा? हाँ जी। लेकिन मेरे दिल में तो ना आपके लिए प्यार जागा है और ना ही मैं बेहोश हुई हूँ। आप खुद ही दीवानों की तरह चक्कर काटते हैं। हर मोहब्बत करने वाला दीवाना होता है। आप ये अंगूठी ले लीजिए, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो खुद ब खुद आपके दिल में मेरी मोहब्बत जागेगी। लीजिए। रानी, ये तुम्हारे कमरे में से आवाज कैसी आ रही थी? आवाज? वही राजा कल के ड्रामे की रिहर्सल कर रही। अच्छा। मैं समझा कि फिर कोई अंगूठी देने वाला आ गया। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, ड्रामा याद कर रही। ड्रामा याद कर रही? अरे वाह रानी, खूब याद दिला, मुझे भी कल का ड्रामा याद करना है, मगर मैं अपनी किताब तुम्हारे उस कमरे में भूल गया था, जरा ला दो। अच्छा। रानी ये क्या, ड्रामे के साथ नाच भी शुरू कर दिया? नाच? अच्छा राजा तुम यही ठहरो, मैं किताब लाती हूँ। जल्दी आना है। राजा इस मेज पर मत बैठना, इस मेज में बहुत मोटा खटमल है। मोटा खटमल? हाँ राजा, बहुत जोर से काटता है कम्बल, देखो ना मेरे भी पैर में काट लिया। जा तुम किताब ले आओ, तुम्हारा खून मीठा है, मुझे नहीं काटेगा, जाओ जाओ जा। अरे रानी तुम्हारे कमरे में मच्छर भी है। अरे रानी मैं तो मच्छरों का शिकार बन गया, जल्दी मेरी किताब लाओ। तुम
जालिम ने काटा क्या, गोया सुई चुबो दी। तो खानदानी खटमल मालूम होता है। अबे भैया खटमल, मैंने तेरे बाप का क्या बिगाड़ा है, है? रानी तुम सच कहती थी, ये मेज खटमलों से भरी पड़ी है। अरे राजा, आखिर तुम भी जिद के पूरे हो। मैंने तुम्हें मना किया था कि इस मेज पर मत बैठना, खटमलों से बहुत भरा पड़ा। भरा पड़ा तो मैं जरूर बैठूं। रानी ये तुम्हारी मेज तो चलती है। राजा तुम्हारा तो दिमाग चल गया है, मेज भी कहीं चलती है जी। वो तो जाती वही है, वही है। राजा चलो आज तुम हम मिलकर रिहर्सल करेंगे, चलो ना। भाई मैं जमीन पे बैठ कर करूंगा, क्योंकि तुम्हें फर्नीचर का कोई भरोसा नहीं, चलने लगते। चलो चलो। तार करके हमें तार करके चले। क्या रे रणधीर, कहाँ है रे? हेलो रणधीर। अबे शुतुर मुर्ख तू। अबे वाह बे मेरे मजनू, है गए थे रानी का दिल जीतने और चले आए मेज बनकर। अरे यार ये सब किस्मत के खेल हैं। मैंने वो डोर फेंकी कि रानी मछली की तरह तड़पती हुई मेरे कदमों में आ गई। मैंने अंगूठी पेश की, वो लेने वाली थी कि कमबख्त राजा आ गया। और तुम काट के घोड़े बनकर वापस चले आए। अरे यार खाक डालो इन सब बातों पर, अब कोई ऐसी तरकीब सोचो कि रानी अपने हाथ में आ जाए। बेटा तरकीबें बहुत, मगर रुपया होना चाहिए। अरे रुपये की फिक्र मत करो, रानी के लिए तो रुपया मैं पानी की तरह बहा सकता हूँ। अच्छा जी, मगर ये पानी आएगा कहाँ से? पिताजी से। और कहाँ से? तो सुन, तेरा किसी गांव या पहाड़ी जगह पर कोई बंगला खाली है? बंगला? अरे रंगपुर का बंगला बिल्कुल खाली पड़ा है। अबे तो वो मारा, कान में सुन। अरे जियो यार, क्या दिमाग पाया तुमने? अबे तो क्या समझता है शुतर मुर्ख, मैं तो सारा दिमाग ही दिमाग हूँ। मेरे दिमाग क्या करूं इस दिले बेकरार को, कमबख्त दिमाग का कहा नहीं मानता। शरीर कहेंगे। रानी आखिर तुम यूं कब तक खामोश रहोगी? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, एक दिन वो भी आएगा कि तुम खुद मुझसे कहोगी मेरे राजा मैं तुमसे प्यार करती हूं। हाय 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 रब्बा, मैं तेरा की पुट्यासी रब जी। ओफो, तुम्हारी जरूरतों की तो हद ही नहीं। समझ में नहीं आता कि रुपयों से तुम होली खेलते हो या क्या करते हो। मैंने कौन सा लाख दो लाख मांग लिया है, 10,000 तो है। और ये साल तो मैंने बिल्कुल भिखारियों की तरह गुजारा है, ना कश्मीर शहर को गया, ना नए कपड़े बनवाए, और ना ही कोई शिकार का प्रोग्राम हुआ। माँ मैं दोस्तों से वादा कर चुका हूँ, और ये पार्टी जरूर होगी। हाँ हाँ बेटा जरूर होगी। पार्टी मेरे मरने के बाद होगी, जब तक मैं जिंदा हूँ अपने खून पसीने की कमाई इस तरह लुटते नहीं देख सकता, समझे बरखुरदार? आप भी तो कभी कभी हट धर्मी पर उतर आते हैं, बच्चे का शौक है पूरा कर दीजिए ना। इनको बच्चे की क्या परवाह पड़ी है, जब मैं किसी को कहता हूँ कि मेरा बाप जागीरदार है तो वो मेरी हंसी उड़ाते हैं। और हंसी भी क्यों ना उड़ाए, शक्ल से तो मैं किसी बीमा कंपनी का एजेंट दिखता हूँ। चुप रहो, ज्यादा बातें ना बनाओ, मेरे पास फिजूल उड़ाने के लिए दौलत नहीं। अच्छी बात है, अगर आप रुपया नहीं दे सकते तो मैं कहीं से उधार मांग कर काम चला लूंगा। देख लिया अपने लाडले को, बरखुरदार के पर निकल आए, खुली हवा में उड़ना चाहते हैं। मेरा ख्याल है इसकी शादी अब पूर्णिमा से कर देनी चाहिए, पूर्णिमा भी जवान हो गई है और शाम तो जवानी की हद से भी आगे बढ़ चुका है। इस शादी से एक तो शाम की आंखें सुधर जाएंगी और दूसरा जो वचन मैंने पूर्णिमा के स्वर्गवासी पिता को दिया है वो भी पूरा हो जाएगा। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसी आपकी मर्जी। करूं क्या सुनिरा सुबई, करूं क्या। यार मेरी समझ में नहीं आता कि दुनिया का हर बाप अपने बाप की सख्तियों का बदला अपने बेटे से क्यों लेता है। मेरी जान, दुनिया इसी तरह चलती है और चलती रहेगी,
अच्छा देखो, तुम गुस्से को थूक दो और रुपए का इंतजाम करो। प्यारे अपने राम तो ये जानते हैं कि जहां दौलत नहीं वहां मोहब्बत नहीं। ये तो ठीक है, लेकिन पिताजी ने इनकार कर दिया और रुपए दरख्तों पर तो उगते नहीं। ये भी ठीक है, और दौलत के बगैर चारा भी नहीं। श्याम बाबू। ओह ओह पूर्णिमा, आया आया। कहो पूर्णिमा, कुछ काम है मुझसे? जी, ये लीजिए 10,000 रुपए का चेक। 10,000 रुपए का चेक? तुम्हें मेरी जरूरत का कैसे पता चला? ये पूछने की क्या जरूरत है, मैं तो हर वक्त आपकी सेवा का बहाना ढूंढती रहती हूँ। नहीं पूर्णिमा, इस पर मेरा कोई हक नहीं। ये रुपया तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी के लिए छोड़ गए थे। एक दिन तो आप ही इस रुपए के मालिक होंगे, फिर इनकार क्यों कर रहे हैं? मुझे तो खुशी है कि आप अपने दोस्तों को पार्टी देंगे, आपका नाम होगा और मुझे खुशी होगी। लीजिए ना। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। आप तो खुश हो ना? अच्छा, तो पिताजी से नहीं कहना? नहीं। अच्छा। सुनने वाले तेरा भला हो, तूने वक्त पर सुन ली। लेकिन श्याम, ये लड़की थी कौन? पूर्णिमा मेरी मंगेतर, बचपन में ही माँ बाप का साया इसके सर से उठ गया था और पिताजी ने इसे पाला है। और ऐसी नेक लड़की को छोड़कर तुम रानी की लौ लगाए बैठे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो श्याम, आग से खेलना ठीक नहीं, ऐसा ना हो बरखुरदार कहीं के मजाक ही मजाक में उंगलियां जला बैठो। हाँ बेचल, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये संभाल चेक और अपना जाल फैलाना शुरू कर। अच्छा, बुजुर्गों का काम तो बरखुरदार समझाना है जी। अब मानो ना मानो, तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा बुजुर्गवार जी, कहाँ चल दिया? प्यारी, मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारी क्या हालत है। प्यारे, जैसे जाल में मछली तड़पता है। सुबह से रेसल कर आ रहा हूँ, मगर तुम मछली को तड़पता मगर मच को तड़पता ही कहेगी। समझ गए राजा, तुम तड़पता मांगता ना जैसे पानी में मछली तड़पता है। बस मिस जलवा, तुम्हारा भी भला और वो तुम्हारे चाहने वाले का भी भला। देख, थिएटर की नौकरी तेरे बस का रोग नहीं, तू ऐसा कर, तू स्टेशन पर जाकर एस्प्रो की गोलियां बेच। गोप सेठ, देख राजा हमको लाल लाल आंखें दिखाती है। फिर आंखें दिखाती, चल जा अपने गोप सेठ के पास। मैलम ने कहां से ये गालदान पानदान को नौकर रख लेता है। वो मारा। ओ मुजल्मा, बड़ी मजेदार खबर लाया हूं, बड़ी मजेदार खबर लाया हूं, मजेदार खबर लाया हूं। बात तो सुन। हां क्या हुआ? रेत के तरबूज ये रीछ की तरह क्यों नाच रहा? देख राजा, ये बहुत बुरी चीज है कि तुम औरतों के सामने मुझे रीछ और तरबूज का लपकाता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा अच्छा, खैर जाने दे। ये तो बता, तू लाया क्या है, क्यों इतना उचक रहा है? ये तो मैं भूल ही गया राजा। देख, हमारी कंपनी के चर्चे सारी दुनिया में हो रहे हैं। एक जागीरदार ने हमारी कंपनी को बुलाया है, 100 का 7,000 रुपया देगा। 7,000 तो मैंने कई खैरात कर दी। हाय हाय, क्या कहने तेरे। अबे सुन भी तो, कल पहुंचना है, जल्दी तैयार हो जाओ। सूट पहन लो। सूट सूट देखो जरा। आहा, क्या सूरत निकल आई है इस वक्त तो। सचमुच तुम अपने आप अपने बाप मालूम होते हो। हाँ यार, मजाक मत करो, ये बताओ को पहचानेगा तो नहीं? पहचानेगा प्यारे, इस वक्त तो अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें देख लें तो एक मिनट के लिए चक्कर में आ जाएं, सोचे कि उनके छोटे भाई साहब कहां से आ धमके। देखो मिस्टर, तमीज से बात करो, हम तुम्हारे बाप हैं। हम तुम्हारे बाप हैं? अबे जा जा, है तू तो मेरा वनस्पति बाप है। बता। देखो भैया, अब मुझे सचमुच को डर आने लगा है, कहीं तुम मजाक ही मजाक में सचमुच को मेरे बाप ना बन बैठो। हाँ। अच्छा अब स्टेशन भाग लो, गाड़ी का वक्त हो गया। शाबाश बेटा, चलो। हाँ हाँ, ये बेचैनी है। हाँ, यही बात है। अच्छा प्यारे, तुम्हारे लिए ये भी करेंगे। अरे चल नहीं यार। माली जी। छोड़ सरकार। अरे तुमने पहचान लिया हमें? सरकार, मैंने दरवाजे के पीछे से छुप कर सब तमाशा देख लिया है। लेकिन सरकार, आपको ये भेष बदलने की क्या जरूरत थी? आज नाटक कंपनी आने वाली है, तमाशा होगा। हाँ, और क्या? आप भी नाचेंगे? हाँ, और क्या? गुड़िया, मैं नाचूंगा नहीं, भेष इसलिए बदला है कि लोगों को उल्लू बनाया जाए। माली या किसी कहना नहीं। हाँ? बड़े सरकार से भी नहीं? अरे उनसे तो बिल्कुल नहीं कहना। ये लो, ये लो। इसकी क्या जरूरत थी सरकार? अच्छा अब आप कहते हैं तो गुड़िया को लहंगा बनवा दूंगा। हाँ, बनवा देना। चल गुड़िया। श्याम, मैंने कहा यार, तुम्हारे माली की बहन तो बहुत अच्छी है। बेटा, ये माली की बहन नहीं, माली की बीवी। बीवी? जी हाँ।
अच्छा भैया चलो। हाँ जी चलो। हाँ। आज सवेरे सवेरे पता नहीं किसका मुंह देखा है। क्यों? लक्ष्मी के दर्शन हुए। 5 रुपए ही तो हैं, कोई लाख सवा लाख नहीं। जानते हो बड़े मालिक को कहीं पता चल गया तो? तो क्या होगा? नौकरी से जवाब मिल जाएगा। हाँ? जवाब मिल जाएगा? हाँ, नाटक कंपनी का बहाना है, बात कुछ और है। तो फिर तुम ही बताओ क्या किया जाए। बड़े मालिक को खबर कर दो। लेकिन ये 5 रुपए का नोट? तुम्हें दुनियादारी ना आई, इसे जेब में रखो और फौरन जाके बड़े मालिक को सब बातें बता दो। बारी मेरी गुड़िया। माफ कीजिए साहब, क्या गोप थिएटर कंपनी के मालिक आप ही हैं? जी जी, आप नहीं, मैं हूँ। मैं गोप थिएटर। नमस्ते। नमस्ते। मैं रंगपुर के जागीरदार का बेटा रणधीर हूँ। रणधीर साहब, आपने भी कमाल किया है, 1 घंटे से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए हमारी हीरोइन साहबा बैठी हैं और सब साहबान बैठे हैं। गोप थिएटर, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे देर हो गई। चलिए, आपके लिए घोड़ा गाड़ी वगैरह सब कुछ मौजूद है। आपने कोई हाथी वगैरह का इंतजाम किया? जी, हाथी आपके होते हुए हाथी की क्या जरूरत है? कुमार साहब, आप भी मजाक करने लग गए। बंदा किस काबिल है साहब। आइए आप। आप लोग यहाँ तशरीफ रखिए, पिताजी ऊपर सो रहे हैं, मैं उन्हें अभी साथ लेकर आता हूँ। पिताजी, पिताजी। अबे शुतर मुर्ग, उठ, वो लोग आ गए हैं। अबे क्या बे? अब पिताजी वो लोग आ गए हैं, थिएटर कंपनी वाले। और तुम्हारी वो मौसी रानी भी है। रानी? बेटा रणधीर। जी पिताजी। वो लोग खैरियत से तो पहुंच गए? जी हाँ पिताजी, बहुत खैरियत से, और उनको दूसरे कमरे में ठहरा दिया, बस आपका इंतजार कर रहे हैं। हम भी आते हैं, जरा हमारा चश्मा और सिगार लाओ। तृष्णा पली का चुरुट नहीं पिलाओ? अब इंसल्ट खराब करता है। आप हैं मेरे पिता, श्रीयुत महाराज महाराव महासागर कर्नल रणधीर सिंह प्रताप सिंह चौधरी नकलमार सिंह। जयराम। और पिताजी आप हैं श्री नथुराम गोप, इस कंपनी के मालिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर। जी क्या करूं, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। बड़े खुशी है। वेरी प्लीज टू सी यू। मिस्टर राजा। जी मैं इस कंपनी का हीरो हूं। जी इससे पहले मैं मोटरों को रास्ता दिखाया करता था, यानी सिपाही। मैंने कहा मेरी तरफ देखो। अब मैं आपका मेहमान हूं, आधी दर्जन की कसम, आपके दर्शन करके जीवन सफल हो। बड़ी खुशी हुई आपसे भी मिलकर। मिस रानी। नमस्ते। आप कंपनी की हीरोइन होंगी देवी जी, बहुत तारीफ सुनी है आपकी। सुना है कि बंबई का सारा शहर आप पर पागल है, मेरा मतलब है आपकी एक्टिंग पर। ये तो आपकी मेहरबानी है, मुझे तो इस बात का पता नहीं। सच कहते हैं आप, हीरा अपनी कदर खुद नहीं जानता। मिस हलवा। नो हलवा, जलवा। हमारा नाम है मिस जलवा। मेम साहब एक ही बात है, हलवा या जलवा, एक खाने की चीज है, एक देखने की। मिस रानी के श्रीयुत श्रीमान पूज्य पिताजी। नमस्ते, नमस्ते श्रीमान जी। नमस्ते जी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मुझे। देखिए आपको तकलीफ मैंने इसलिए दी है कि कल मेरे बच्चे का जन्मदिन है। जन्मदिन? हाँ जी। अच्छा तो कल आपके बच्चा पैदा होने वाला है? जी पैदा होगा नहीं, 20 साल पहले पैदा हुआ था, कल उसकी 20वीं सालगिरह है। ये तो और खुशी की बात। राजा साहब कुछ अपनी आदत ऐसी है कि हर साल उसकी सालगिरह मनाने के लिए नाटक कंपनी बुलाता हूँ मैं यहाँ। क्यों नहीं, इकलौता बच्चा जो। हाँ जी हाँ। जागीरदार साहब मैं भी भगवान की दया से अपने बाप का अकेला। वाह वाह वाह, बड़ी आधी दर्जन की कसम, 6 बहनों के बाद खाकसार तशरीफ लाया है। मेरे बाप ने भी वो खुशियां की हैं कि घर का दीवालन कर। कोई बात नहीं राजा साहब, आप आदमी बड़े दिलचस्प मालूम होते हैं। बेटा जरा माली को बुलाओ तो। जी बहुत बेहतर। माली। जी हुजूर। अरे मालन तुम? जी। माली कहाँ है? हुजूर उसकी तबीयत खराब। क्या हुआ उसे? हुजूर
उसे बहुत चक्कर आ रहे हैं। आपने वो 5 रुपए दिए थे। बस 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 बस, हम 5 रुपए और देंगे। मालिक को कहो वो आराम करे, और तुम ऐसे करो मेहमानों को अपने अपने कमरे दिखा दो। हाँ शाबाश, चलिए 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 चलिए। मैंने कहा जागिरदार नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। पिताजी। हाँ जी। जरा मैं थक बहुत गया हूँ, इसलिए जरा मेरे पांव दबाइए। अबे बदतमीज, बाप से पांव दबाता है? अबे देख, तू है मेरा वनस्पति बाप, सीधी तरह से बेटा मेरे पांव दबा दे, वरना भी शोर मचा कर तेरा भाड़ा फोड़ दूंगा। क्या कहा? अच्छा हाँ। राजा बाबू, लातों के बस बातों से नहीं मानते, बेहतर से नहीं मानते। दबाओ, सीधा दबाओ, आराम से दबाओ, वरना भी चिल्लाऊं। अबे लेना है यार। अब जरा इसे। अच्छा, खुशी से भर दिया दामन लकी बुका तुम। मैंने कहा जागीदार साहब। आइए गोप साहब, आइए। मैंने कहा कि रात की गाड़ी से हमारे थिएटर के और आदमी भी आ रहे हैं, उनके लाने के लिए कुछ इंतजाम किया। वो सब बंदोबस्त कर दिया जाएगा। बेटा सुन लो, पांव जोर से दबाओ जी, पांव जोर से दबाओ जी। जीते रहो, जीते रहो। और आपने तार में लिखा था कि रुपए पेशगी मिलेंगे। अजी रुपए तो तैयार पड़े हैं। अगर अगर आपको कोई एहसास नहीं तो हमको भी कोई इनकार नहीं। तो यूं करते हैं गोप साहब, आप अपने कमरे में जाइए, मैं रुपए भिजवा देता हूँ। बहुत अच्छा, बड़ा बरखुदार। गौर साहब, आपने तो सुना ही होगा, पिता पर पूत, बाप पर घोड़ा, बहुत नहीं पर थोड़ा 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 थोड़ा। मालिक जी। सरकार, तुम बगैर इतला दिए हुए रंगपुर से यहाँ कैसे आए? सरकार, एक खबर देने आया हूँ। क्या खबर? छोटे बाबू एक नाटक कर रहे हैं सरकार। नाटक? जी सरकार। कैसा नाटक? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना समझता हूँ कि दाल में कुछ काला काला जरूर है। आज बंगले पर एक नाटक कंपनी आई है सरकार। अजीब रंग बिरंगी छोकरियां हैं, ये मोटे ताजे छोकरे हैं। और सरकार, छोटे बाबू ने दाढ़ी लगाई है। दाढ़ी? जी, शायद किसी को धोखा देना चाहते हैं। समझ गया, इसीलिए मुझसे 10,000 रुपया मांग रहा था। लेकिन ये रुपया उसे दिया किसने? पूर्णिमा जी। पिताजी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है आपको? सच सच बताओगी? लेकिन मैंने पहले कब आपके सामने झूठ बोला है? शाम को तुमने रुपया दिया है? मैंने? हाँ तुमने। लेकिन आप मुझ पर शक क्यों करते हैं? मैं जानता हूँ तुम्हारे सिवा उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुमने बात छुपाई तो तुम अपने आप पर जुल्म करोगी। बोलो, उसे तुमने रुपया दिया है? जी हाँ, उन्हें जरूरत थी, उनकी इज्जत का सवाल था। इज्जत का सवाल था? जानती हो वो तुम्हारे रुपए से मेरी इज्जत और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। जी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम नहीं, तुम्हारा फर्ज बोल रहा है। दिन पे दिन उसकी आदतें बिगड़ती जा रही। दोस्तों को दावत के बहाने उसने नाचने वालों को घर में बुलाना शुरू कर दिया है। उसे मेरी परवाह नहीं, तुम्हारा ख्याल नहीं। नमस्ते। नमस्ते अजी। नमस्ते। नमस्ते, पहले तो हो गई नमस्ते। नमस्ते, पहले तो हो गई नमस्ते। नमस्ते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते। फिर प्यार हो गया हंसते हंसते। पहले तो हो गई नमस्ते। नमस्ते, बस गई दुनिया बसते बसते। और बस गई दुनिया बसते बसते। पहले तो हो गई नमस्ते। नमस्ते, पहले तो हो गई नमस्ते। नमस्ते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते। फिर प्यार हो गया हंसते हंसते। पहले तो हो गई नमस्ते। नमस्ते,
बातें मिले गली में, हो गई उल्फत हंसी हंसी में, हंसी हंसी में। दुनिया रह गई जलते जलते, दुनिया रह गई जलते जलते। पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते। फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते। पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते। कदम कदम पर नए नजारे, इधर उधर मत देखो प्यारे। कदम कदम पर नए नजारे, इधर उधर मत देखो प्यारे। चलो चलो भाई अपने अपने रास्ते, चलो चलो भाई अपने अपने रास्ते। पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते। फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते। पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते। वाह बे ओ मेरे वनस्पति बाप। ठीक है बेटा ठीक है, बहुत अच्छा। वाह 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 रानी, हम तो इस जगीदार से हेट करता है। जब तुमको देखता तो ऐसे मालूम होता है जैसे तुमको कच्चा चबाना मांगता। ऐसे बहुत देखे हैं कच्चा चबाने वाले। तुम मुझे क्या समझती हो? अरे एक्ट्रेस तो मैं आज बनी हूँ, 5 साल गली कूचों में गाना गाया है। हाँ, हर किस्म की नजर को खूब पहचानती हूँ। किसी की तरफ एक आंख भी उठाकर देख लूं तो दिल की किताब का एक एक सफा पढ़कर सुना दूं। छोड़ो, हमने भी इंग्लैंड से हिंदुस्तान तक जमाना देखा है। मोहब्बत होता है तो खबर भी नहीं होता, 1 सेकंड में हार्ट वीक हो जाता है। रानी, तुमने कभी मोहब्बत किया है? छोड़ो भी जलवा, क्या किस्सा ले बैठी हो? देखो रानी, अगर तुम हमारा ट्रू फ्रेंड है तो ट्रू बात बोलो। मोहब्बत तो की थी जलवा, लेकिन 2 घड़ी के लिए। कोई प्यार भरा दिल लेकर आया, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। और जब वो चला गया तो मेरे दिल ने उसे पुकारा, लेकिन वो ना आया। एक दिन उसे आना ही मांगता। जी मैं आ गया। क्या मतलब? मेरा मतलब है मुझे आपसे कुछ कहना है। श्रीमती मिस जलवा जी, अगर आप बुरा ना माने तो। अच्छा, अब हमें बाहर जाना मांगता है। हम सब समझता है। थैंक यू। अच्छा रानी, हम जाता है, तुम हमको किताब पढ़ के सुना देना। अच्छा बाय बाय बाय। जागीरदार साहब जी, आपको क्या काम है मुझसे? जी मुझे कोई काम नहीं आपसे, सिर्फ मेरे दिल को आपसे कुछ कहना है। क्या मतलब? बिगड़ो मत मिस रानी। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। एक दफा बंबई में आपको नाटक में देखा था, वो दिन और ये दिन, हाय हाय, आपकी याद के सिवा कोई काम नहीं। ये बच्चे की सालगिरह तो एक बहाना थी, दरअसल तो मैंने आपको अपनी आंखों की प्यास बुझाने के लिए बुलाया था। आपके दिमाग की मशीन तो नहीं ढीली हो गई? आप मेरे बाप के बराबर हैं, मुझे प्यास जताते शर्म नहीं आती। ओह रानी, एक टूटा हुआ दिल तुम्हारे दरवाजे पर मोहब्बत की भीख मांगने आया है, उसे मत ठुकराओ। तुम मुझे मोहब्बत की खुशी दो, मैं तुम्हें 2 जहान की दौलतें दूंगा। अगर खैरियत चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, वरना शोर करके सबको इकट्ठा कर दूंगी। मुझे डराती हो? सुंदरता के पुजारी बदनामी से नहीं डरते, बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा? ओ छोड़ मेरा हाथ। नहीं छोड़ते। देव अच्छा ना होगा। अच्छाई बुरे की परवाह किसे है? मैं तो दिल की वो आग बुझाना चाहता हूँ जो तुम्हारे देखने से भड़क उठी है। प्यारी प्यारी। हाँ एक और। उफ, जी चाहता है दाढ़ी नोच लो तुम्हारी। नोच लो ना, रोकता कौन है? उफ, लफंगा कहीं का। हाय रानी। ओह आप, तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन तुम किसी भी रूप में मेरे सामने आती मैं तुम्हें जरूर पहचान लेता। जानती हो क्यों? मुझे तुमसे सच्चा प्यार है। श्याम बाबू, कहीं आप मेरे साथ नाटक तो नहीं खेल रहे हैं?
ये नाटक नहीं, सच्चा खेल है रानी। इसी खेल के बहाने मैं तुमसे अपनी मोहब्बत के सवाल का जवाब मांगता हूँ। अगर मैं जवाब देने से इनकार कर दूं तो मैं उम्र भर सवाल करता रहूंगा, जवाब मिले या ना मिले। आप भी जिद के पक्के मालूम होते हैं। प्यार को जिद के नाम से ना पुकारो रानी, कहो कि तुम मुझे अपना बनाओगी। श्याम बाबू, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं अपने दिल से पूछ कर बताऊंगी। अभी पूछ लो ना, इतनी जल्दी है आपको? पूछती हूँ। क्या कहता है? ये तो कहता है 50-50 हाँ और 50-50 ना। मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। माय माय, टॉल एंड हैंडसम, सुंदर और लंबा। रानी, राजा। ओए मेरी माँ मर गई माँ। ओ माय गॉड। क्या हुआ देवा? ओ राजा घूमने गए थे, कांटा लगा। देखो जरा। ही तो लगा, तलवार तो नहीं लगी, मार चिल्ला चिल्ला के आसमान को सर पे कर लिया। राजा, जग में आदमी के साथ क्यों मस्करी करता है? राजा, हमको जरूर उठा के हमारे कमरे में लेके जा। राजा, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं गोपसेट, इसके पैर में कांटा चुभ गया था तो मैं इसे कमरे में छोड़ने जा रहा हूँ। अबे तू तमीज कब सीखेगा? अगर जागीरदार को मालूम हो जाए कि हमारे सब आदमी दिल फेंक है तो हमारी इज्जत क्या रहेगी? जैसे तेरी बड़ी इज्जत है। दो कौड़ी का आदमी और बातें करता है नवाबों जैसे। ले संभाल अपनी फुलझड़ी। क्या करती है अभी? पाँव का दर्द कमर में आ गया? देखो गोपजी, तुम हमारे पर शक करते हो, अच्छा हैबिट नहीं। ये अच्छा हैबिट नहीं तो तुम उसकी गोद में क्यों सवार थी? वो मम्मी अब तुम्हें समझाता है। क्या समझाता है? वो जागीरदार है ना। वो जागीरदार भी? वो असली जागीरदार नहीं। क्या कहा? मनाई ओरे 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 बस बस, वो असली जागीरदार नहीं, वो वही है जो रानी को अंगूठी बनाना चाहता था। आपस में प्यार करते हैं, ये तुमने बहुत अच्छा किया चलवा। थैंक यू वेरी मच। अगर राजा को मालूम हो जाता तो उस बेचारे का दिल टूट जाता, वो मेरी कंपनी छोड़ जाता और हमारा दिवाला निकल जाता। थैंक यू वेरी मच मिस जलवा, आज मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी दिल लोगे तो क्या क्या दोगे? बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी दिल लोगे तो क्या क्या दोगे? मोहब्बत की कोई भी कीमत नहीं है जी, कीमत नहीं है। वो कीमत तो फिर वो मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। जो दिल मुझको दोगे तो दिल ही मुझसे लोगे, जो दिल मुझको दोगे तो दिल ही मुझसे लोगे। बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी दिल लोगे तो क्या क्या दोगे? मैं तो हूँ सच्ची मोहब्बत।
मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। खुशी मुझको दोगे, खुशी मुझसे लोगे, बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी दिल लोगे, तो क्या क्या दोगे, बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी दिल लोगे, तो क्या क्या दोगे। श्याम बाबू, आखिर तुमने अपनी दौलत का सहारा लेकर रानी का दिल जीत लिया ना? राजा, अब तुम वो गलियों की रानी नहीं हो। तुम्हारी आंखों ने महलों के सपने देखना शुरू कर दिए। जिसे तुम मोहब्बत समझती हो वो मोहब्बत नहीं बल्कि एक खेल है। याद रखो, तुम्हें खिलौना समझकर खेलने वाला एक दिन थक जाएगा। झूठे प्यार के महल जितने जल्दी बनते हैं उतने जल्दी गिर भी जाते हैं। श्याम बाबू, अब क्या होगा? राजा तो बाबा से जाके सब कुछ कह देगा। घबराओ नहीं रानी, मेरे साथ आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो। राजा। पिताजी। राजा ने जो कुछ भी आपसे कहा है वो सच है। राजा, ये लड़का कौन है? अपनी लड़की से पूछिए। तो राजा ने आपसे कुछ नहीं कहा पिताजी? नहीं तो, लेकिन ये है कौन? जी मैं जागीरदार नहीं, जागीरदार का बेटा हूँ। रानी को अपना बनाने के लिए मैंने ये नाटक रचाया है। अब समझा राजा को चुप क्यों लग गई थी। लेकिन बेटी, मुझे तुमसे ये आशा ना थी। तुमने अपने दिल का हाल मुझसे छुपाकर अपने आप पर जुल्म किया है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बेटी को किसी अमीर के पीछे लगकर जिंदगी में ठोकरे खाना पड़े। आप मुझे अमीर का ताना दे रहे हैं। मैं एक अमीर आदमी का बेटा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमीरों की मोहब्बत झूठी होती है। अमीर मोहब्बत करना क्या जाने, वो तो सिर्फ मजाक उड़ाना जानते हैं। पिताजी, श्याम बाबू ऐसे नहीं। आप मुझ पर शक न कीजिए, मैं आपसे रानी मांगता हूँ। मैंने कसम खाई है कि रानी को अपना बनाकर छोड़ूंगा। पिताजी, एक नाचने वाली को अपना बनाने से पहले तुम्हें अपने बाप का खून करना पड़ेगा, समझे? अच्छा, तो तुम ही हो वो रानी जिसके इशारों पर मेरा बेटा नाच रहा है। तुम समझती हो कि ये तुम्हारा हो सकता है? क्यों नहीं, थिएटर में नाचने वाली होकर मेरे घर की बहू बनने का ख्वाब देख रही हो। जरा अपनी झोली में मुंह डालकर देखो क्या इज्जत है तुम्हारी। कमर के लोच और आंखों के इशारों से तुम अपना पेट पालती और धरती पर आकाश को गले लगाना चाहती हो। श्याम बाबू। पिताजी, चुप रहो। इस दो पैसे की छोकरी को मैं अपने खानदान की इज्जत से खेलते नहीं देख सकता। ये जिस घर की बहू बनने का ख्वाब देख रही है उस घर के दरवाजे की मट्टी भी नहीं छू सकती। रानी, माफ कीजिए, आप रईस हैं तो क्या हुआ, हमारी भी कोई इज्जत है। आपको जो कुछ कहना है आप मुझसे कहिए, मेरी बेटी से बात करने का आपको कोई हक नहीं। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को गलत रास्ते पर ले जा रही है। मोहब्बत के बहाने वो मेरी दौलत पर नजरें लगाए हुए, वो समझती है श्याम उसका जिंदगी भर साथ देगा। श्याम किसी भिखारी का बेटा नहीं, एक जागीरदार का लड़का है। श्याम रानी को खिलौना बनाकर उससे दो दिन खेलेगा और जब उसका जी भर जाएगा तो उसे ठुकरा कर चला जाएगा। मेरे होते हुए मेरी बिटिया को कौन ठोकर लगा सकता है? अगर आपको अपनी औलाद प्यारी है तो मुझे भी। अगर उससे इतना ही प्यार है तो उसे दो घंटे के अंदर अंदर यहां से ले जाओ, वरना अच्छा ना होगा, समझे? जी। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं जागीरदार हूँ। जागीरदार? तो वो कौन है? वो मेरा लड़का है। आपका लड़का? वाकई आपका लड़का? आप जागीरदार? वो आपका सुनो। लड़का? जी जी। अगर जान की खैरियत चाहते हो जी तो दो घंटे के अंदर अंदर अपने आदमियों को लेकर यहाँ चले जाओ जी, वरना गोली का निशाना बना दूंगा। भगवान ये दिन न दिखाए आपको, मेरा मतलब है मुझे मुझे। अगर दोबारा मेरे लड़के को खराब करने की कोशिश की वो तो खुद ही खराब, तुमको जेल पहुंचा दूंगा और तुम्हारे थिएटर में आग लगा दूंगा। समझे? दम दम समझा समझा। आग मेरे थिएटर में आग। रानी, पिताजी का गुस्सा मुझे अपना रास्ता बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता। जब वो देखेंगे कि मेरी जिंदगी की कहानी तुम्हारे बगैर अधूरी है तो खुद ही रास्ते से हट जाएंगे।
अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा होकर ही रहेगा। शायद उन्हें तुम्हारा थिएटर में काम करना पसंद नहीं। अगर तुम वादा करो कि थिएटर की नौकरी छोड़ दोगी तो मैं उन्हें मनवा लूंगा। मुझे थिएटर तुमसे ज्यादा प्यारा नहीं। थिएटर तो क्या, मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया को छोड़ सकती हूँ। रानी, श्याम, मेरे साथ चलो। क्या सोच रहे हो राजा? कुछ नहीं, जिसे मैं अमृत समझा था वो जहर निकली। जो हुआ उसे भूल जाओ, जिंदगी में साथी मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था, जब हम दोनों रास्ते की ठोकरें खाते फिरते थे तो एक दूसरे के साथी बने थे। अब रानी की जिंदगी बन गई है, उसे मेरी जरूरत नहीं। तुम्हारे दिल का दर्द मैं समझता हूँ, लेकिन इतना याद रखो, मोहब्बत में जीत देने वाले की होती है। मैं तुम्हारे पिताजी को समझाऊंगी, उम्मीद है वो मान जाएंगे। तुम क्या समझाओगी मुझे? बेटा तबाही के रास्ते पे जा रहा है और तुम उसका हौसला बढ़ा रही हो। अगर ये इसी तरह तुम्हारे सर पे चढ़ा रहा तो याद रखना, एक दिन अपने बेटे से हाथ धो बैठोगी। मैंने कब इससे कुछ कहा है? आप तो बिना सोचे समझे। तुम जाओ, मैं खुद इनसे निपट लूंगा। जाओ ना माँ। रानी के नाम ये चिट्ठी तुमने लिखी थी? जी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम रानी से किसी किस्म का वास्ता नहीं रखना, फिर तुम उसको ये मोहब्बत भरे खत क्यों लिखते हो? मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। तुम्हारे जवाब की मुझे जरूरत नहीं। मेरे घर में रहकर तो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हारी शादी पूर्णिमा से होगी और जरूर होगी। मेरी शादी होगी तो सिर्फ रानी से होगी, उसकी जगह कोई दूसरी लड़की नहीं ले सकती। मैं कहता हूं रानी पूर्णिमा की जगह नहीं ले सकती। और कभी इस धोखे में मत रहना कि मैं तुम्हारी जिद के लिए पूर्णिमा का दिल तोड़ दूंगा। मैं बेटे की कुर्बानी दे सकता हूं लेकिन पूर्णिमा का दिल नहीं तोड़ सकता, समझे? जी। श्याम बाबू, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप मेरी इस तरह जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मुझे इस तरह ठुकरा रहे हैं? लेकिन मैंने तुम्हें अपना बनाया ही कब था? लेकिन मैंने तो आपको हमेशा अपना समझा। जब से होश संभाला है यही सुनती आई हूँ कि आपसे मेरी शादी होगी, आप मेरे पति होंगे। जिस नजर से तुम मुझे देखती हो मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता। मैं रानी से शादी का वादा कर चुका हूँ। और वो बचपन के प्यार भरे वादे कहाँ गए जो आपने मुझसे किए थे? बचपन की बातें बचपन के साथ जा चुकी हैं, भूल जाओ उन्हें। आप उन्हें भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं। मुझे एक एक बात याद है, आप मुझसे कितना प्यार करते थे, मुझे दो घड़ी के लिए भी अपनी आंखों से ओझल न होने देते थे। उस वक्त मैं नहीं जानता था प्यार क्या है। रानी से मिलने के बाद मुझे पता चला है कि मैं रानी से मोहब्बत करता हूँ, तुमसे मुझे सिर्फ हमदर्दी है। हमदर्दी क्यों ना हो, मैं एक यतीम लड़की जो हुई, मैं आपके प्यार के काबिल नहीं। भूल जाइए मुझे, रानी को बसा लीजिए दिन में, वो नाच गा कर आपके दिल को बहला सकती। मेरे पास पति सेवा के सिवा और कुछ नहीं। पूर्णिमा, बेटी पूर्णिमा, बुलाएंगे रूठ के।
जाएंगे रूठ के जाने वाले, हम दुनिया से रूठ जाएंगे, हम ना तुम्हें भुलाएंगे, दिल से भुला दो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे, रूठ के जाने वाले, हम दुनिया से दरवाजा किसने बंद किया? मैंने बंद किया है। किस लिए? दरवाजा खोल दीजिए। अब ये दरवाजा नहीं खुल सकता। मेरे दिल में अरमान था कि मैं तुम्हारी और पूर्णिमा की शादी ऐसी शान से करूं कि आसपास के सब जागीरदार शर्मा के रह जाएं। लेकिन तुमने मेरी आशा पूरी ना होने दी। मगर मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगा। जब तक तुम्हारी शादी पूर्णिमा से नहीं हो जाती तब तक तुम्हें इसी कमरे में कैदी बनकर रहना होगा, और ये शादी एक दो दिन में होकर ही रहेगी, समझे? पिताजी, ये शादी शादी नहीं होगी, दो जिंदगियों की बर्बादी होगी। बर्बादी? तबाही सिर्फ मेरी नहीं, सबकी। अगर तुम थिएटर में काम न करोगी तो थिएटर उजड़ कर रह जाएगा रानी। अब मैं अपना इरादा नहीं बदल सकती। जिद न करो रानी, जिद न करो, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। एतवार के खेल की सब टिकटें बिक चुकी हैं, लोग दिल में तुम्हें देखने का अरमान लेकर आएंगे, और फिर जब तुम ही चली परदेश लगाकर ठेस, तो फिर थिएटर का क्या होगा? मान जाओ रानी। ये नामुमकिन है गोबाबू, मेरा दिल रो रहा है, मैं और स्टेज पर न जा सकूंगी। फिर वही बचपना। देखो रानी, मोहब्बत अपनी जगह होती है और काम अपनी जगह है? अगर तू इसी तरह मोहब्बत का रोना रोती रही तो जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी है? मुझे मजबूर न कीजिए। मजबूर न कीजिए? अरे मेरा यहाँ दिवाला निकल रहा है, तुम कहती हो मजबूर न कीजिए? अजीब बात है। गोपसे, आप कोई दूसरी हीरोइन ढूंढ लीजिए। अच्छा, ये बात है तो मैं जरूर दूसरी हीरोइन ढूंढ लूंगा। अगर दूसरी न मिली तो तीसरी ढूंढ लूंगा, अगर तीसरी न मिली तो चौथी ढूंढ लूंगा, अगर चौथी न मिली तो पांचवी ढूंढ लूंगा, अगर पांचवी न मिली तो छठी ढूंढ लूंगा। क्या समझती हो गोपसेठ को? हमने ही आर्टिस्ट बनाया और हमें से नजाकत। राजा, सुन लिया तुमने? रानी थिएटर में काम नहीं करेगी, मोहब्बत का बुखार चढ़ा हुआ है उसे। तुमसे किस कमबख्त ने कहा था कि उसे मेरे थिएटर में नौकरी दिलवाओ? और कोई थिएटर नहीं था? गोपसेठ, भगवान के लिए अब मेरे जख्मों पर नमक ना छिड़को। राजा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई, तुम भी तो मेरे ही भाई हो राजा। ये बात तो मुझे आपसे कहनी चाहिए थी। मुझसे? जी, रानी आपकी बेटी है, आप उसे समझाते क्यों नहीं? क्या कहती है वो? कहेगी क्या? खाक, दिल को हाथों में थाम कर बैठी है। अरे थिएटर में काम नहीं करेगी तो खाएगी कहां से? मोहब्बत से पेट तो नहीं भरता। नादान है, अपने आप समझ जाएगी। अच्छा जी, नादान है, लेकिन समझेगी कब? जब खाक साहब का दीवाना निकल जाएगा। अच्छा, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चिट्ठी, अबे ये चिट्ठी का वक्त है, चले जाओ। अबे सुनो तो, मैंने कह दिया चले जाओ, चल दिए। वो मारा। अब आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं, ये चिट्ठी उसे अच्छी तरह समझाएगी। आप एक तकलीफ कीजिए, इस चिट्ठी को जरा अपनी लाली तक पहुंचा दीजिए। बेटी, तुमने थिएटर में काम करने से इनकार कर दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे ये काम पसंद नहीं। थिएटर में काम करने वालों को लोग अच्छी नजर से नहीं देखते बाबा। लोग कला की कदर नहीं जानते, कला हमेशा जिंदगी को संवारती है, बिगाड़ती नहीं। लेकिन इस कला ने तो मेरी जिंदगी को संवारा नहीं, बिगाड़ा है बाबा। अगर मैं थिएटर में काम न करती तो उस दिन मुझे जागीरदार साहब एक नाचने वाली कहकर न पुकारते। मेरे सामने उसका नाम न लो, वो एक सरफिरा अमीर है, उसके दिमाग पर दौलत का नशा सवार है। कुछ भी हो, अब मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगी, मैं इस जिंदगी से दूर जाना चाहती हूँ। श्याम बाबू मुझे सहारा दे रहे हैं, अगर मैंने थिएटर न छोड़ा तो वो मुझसे दूर चले जाएंगे। चला नहीं जाएगा, वो जा चुका है, उसकी मोहब्बत चढ़ती हुई धूप थी और अब धूप ढल चुकी है। ये क्या कह रहे हो बाबा? तुम्हारे सवाल का जवाब ये चिट्ठी है। चिट्ठी? रानी, कल श्याम की शादी हो रही, मेरे दरवाजे पर शहनाई बजेगी, श्याम सहरे बांधेगा, इस खुशी में मैं तुम्हें नाचने की दावत देता हूँ।
कम से कम शाम को दूल्हा बनते हुए जरूर देखना, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। बाबा मैं थिएटर में काम करूंगी। काम करेगी। थैंक यू। बात क्या है, ये पागलों की तरह क्यों हंस रहे? अरे मेरे राजा, बात ही ऐसी है, जब तुम सुनोगे तो तुम भी पागल हो जाओगे और मेरी तरह खूब हंसोगे। मैं तो कब का हंसना भूल चुका हूँ गोप सेठ। पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। अरे हम कहते हैं तुम हंसोगे और हंसते हंसते हंसी का गोलगप्पा बन जाओगे जैसे कि मैं। हाँ सुनो हमारी बात, वो जो बेचते थे दवाई दिल, मैंने कहा वो अपनी दुकान बढ़ा गए, बरखुदार शाम की शादी हो रही है। शाम की शादी? हाँ हाँ शाम की, लेकिन रानी के साथ नहीं, किसी और के साथ। रानी तो थिएटर में काम करेगी राजा। अरे हंसो ना, हंसो ना। नहीं हंसते, समझा तुम्हारे दिल का जख्म बहुत गहरा है, मेरी बातों से नहीं भर सकता। लेकिन फिक्र न करो राजा, जिसने तुम्हें दर्द दिया है वही दवा देगा। गई मेरी बच्ची, चलो। बेटा श्याम, श्याम बेटा, श्याम, श्याम। भाग गया। वापस ले जाओ पूर्णिमा को, ये शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? श्याम भाग गया है। भाग गया? हाँ, उसने मेरी इज्जत को मट्टी में मिला दिया। मैं दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा।
उदास पड़ी रहोगी बेटी? शाम का प्यार हवा का एक झोंका था, आया और आकर गुजर गया। उसकी याद तक दिल से भुला दो। राजा तुमसे प्यार करता है, वो इसी आस पे जिए जा रहा है कि एक दिन तुम जरूर उसे अपना बनाओगी। लेकिन बाबा, राजा ने तो मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। दुख तेरे की, मुंह में जबान नहीं और चले थे मोहब्बत करने। सुना रानी क्या कहती? क्या कहती? अबे रानी को तो मालूम ही नहीं कि तुम उसे मोहब्बत करते हो। अगर वो ये जानती तो भूले से भी शाम का ख्याल दिल में न रखती, समझे? तो अब क्या करूं गोपसेठ? जाओ जंगल की खाक छानो। अबे अभी कहाँ चले? खाक छान। अच्छा जी, मैंने कहा और चल दिए। अरे मिस्टर, मोहब्बत एक आर्ट होता है। अबे मैं तेरे माफक बेवकूफ नहीं हूँ, आर्ट मैं जानता हूँ। एक दो तीन। अबे ये आर्ट नहीं, आर्ट, ART यानी के कला, समझे? कला? हाँ, ये आर्ट सीखे से आता है। अगर तुम ये नहीं जानते थे तो उस से पूछ लिया होता। तो परमात्मा के लिए मुझे मोहब्बत करना सिखा दो गोपसेठ। ये मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा। जब कभी मोहब्बत किया करूंगा ना, तुम्हें याद कर लिया करूंगा। सुनो, सच्ची मोहब्बत का पहला सबक, आंखों में आंखें डालो और फिर धीरे से मुस्कुराओ। होंठ सफाई से खुलने चाहिए, ये ठीक है। फिर दिल पे हाथ रख दो, दोनों नहीं एक हाथ, दाहिना हाथ बाएं फेफड़े पर, दिल बाईं तरफ होता है। वो तो मैं जानता हूँ, मैं पुलिस में बंदूक रख के यहाँ चलाया। अबे पुलिस में बंदूक चलाना सिखाते? मैं समझाता हूँ, मोहब्बत नंबर एक वो है जो जो आंखों से समझाई जाती है, आंखों से। लेकिन राजा ये तुमसे नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी आंखें बराबर नहीं, वो जज्बात नहीं, जज्बात, समझे? तो चश्मे लगा कर आऊं? अबे फिर तो और भी खराब, फिर तो तुम्हारी ये आंखें दिखाई नहीं देंगी। मैं दूसरा आसान तरीका बताता हूँ, मोहब्बत नंबर दो वो है जो जबान से समझाई जाती है, जबान से, समझे? मेरा मतलब ये है कि थिएटर के तमाम पुराने नाटक जो है ना, लैला मजनू शरीफ राज, उसके तमाम शेर याद कर दो। बस प्यारी के सामने जाओ और सबसे उगल दो। बस तो फिर मुझे आ गया। लैला लैला पुकार। अबे लैला इतनी मोटी थी भाई, ये तो मैं नहीं जानता। नहीं जानता तो जा, अगर जाके देख। अगर किस्मत से लैला के गले का हार हो जाता। क्या हुआ है राजा तुम्हें?
आया करो इधर भी मेरी जान कभू कभू, अरे निकले हमारे दिल के भी अरमान कभू कभू। ये क्या मजाक है राजी? लाला लैला पुकारू मैं बन में, मेरी लैला बसी मोरे मन में। रानी तेरी नजरों का तीर मेरे दिल को गया चीर, रहता हूँ सदा बेकरार मुझे है तेरा इंतजार। जरा पर्दा उठा एक छोटी सी झलक दिखा, अरे बिस्मिल को बिस्मिल बना शरबते दीदार पिला। आ, आ, आ। ये क्या मजाक है राजा, कहीं सरसाम तो नहीं हो गया तुम्हें? डॉक्टर को बुलवा दूं क्या? तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना, अरे मुझे डॉक्टर के एहसान से बचा लेना। ये सब क्या हो रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। ये इश्क किया जा रहा है यानी हिंदुस्तानी जबान में प्यार किया जा रहा है। तो प्यार जताने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कथा की क्या जरूरत थी? वाह वाह, अभी तो तुम पिताजी से कह रही थी कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं जताया। अच्छा तो आप प्यार फरमा रहे थे, ये तरीका किसने बताया आपको? मेरे उस्ताद ने, क्या तुम पर कुछ असर नहीं हुआ? देखो राजा, तुम अपने आप को बदलने की कोशिश ना करो, मुझे तुम्हारी सादगी ही बहुत भली मालूम होती है। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हो। सच? हाँ राजा। अबे ओ बरसाती मेंढक, बरसाती मेंढक कहाँ है, कहाँ है? आधे फुलझड़ी की तरह क्यों फूट रहा है? दिमाग तो ठीक है ना उस्ताद जी? हाँ, रानी ने कहा है। क्या कहा है? कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा, तुम मुझे अच्छे लगते हो। देखा बेटा उस्तादों का गुरमंतर। अबे रहने दे, बड़ा आया गुरमंतर वाला। अच्छा। उस्तादों का गुरमंतर। ये बात रानी कहती थी। क्या कहती थी? तुम जैसे हो हा? वैसे ही अच्छे लगते हो। अच्छा, उसे हमारी सादगी पसंद है मेरे बरखुरदार बटेर। अब तुम्हें इश्क का सबक लेना है तो शागिर से पूछना। अबे जा जा, बड़ा आया इश्क सिखाने वाला। क्या कहा बटेर? मुझे बटेर कहा? श्याम के पिताजी, श्याम के पिताजी। क्या बात है? गजब हुआ पूर्णिमा। पूर्णिमा? क्या हुआ पूर्णिमा? वो हुआ। अरे बोलती क्यों नहीं हो, क्या हुआ है उसे? चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? भगवान जाने, ये चिट्ठी छोड़ गई है। चिट्ठी छोड़ गई? मैं जा रही हूँ उन्हें ढूंढने के लिए, अगर उन्हें पा सकी तो जल्दी लौट आऊंगी, नहीं तो आप मेरी सूरत नहीं देख सकेंगे। याद कर लेना,
कभी खामोश हो जाना, कभी फरियाद कर लेना, मगर उस बेवफा को चुपके चुपके याद कर लेना, हो छुप कर याद कर लेना। बर्बाद रहने दे मेरे बिछड़े हुए साथी मुझे, बर्बाद रहने दे तू अपने प्यार की दुनिया, तू अपने प्यार की दुनिया, कहीं आबाद कर लेना, कहीं आबाद कर लेना। कभी खामोश हो जाना, कभी फरियाद कर लेना, मगर उस बेवफा को चुपके चुपके याद कर लेना, वो छुप कर याद कर लेना। गोप सेठ, शाम फिर आ गया। क्या 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 शाम 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 फिर तो आ गया, तो डर किस बात का है? अब तो उसकी शादी हो चुकी है। शादी होने पर भी वो मेरे रास्ते में आ रहा है, अब उसे मेरी खुशी बर्बाद करने का कोई हक नहीं। बेशक अगर अब के उसने रानी पर हाथ चलाना चाहा तो गोप सेठ से बुरा कोई ना होगा। उस जागीरदार के बेटे को शायद खबर नहीं कि बंबई में गोप सेठ की इतनी इज्जत है जितनी उसकी जागीर में उसके बाप नकल मार सिंह की। तो कुछ करो ना गोप सेठ, कोई ऐसी सूरत निकालो कि ये कांटा हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से दूर हो जाए। घबराओ नहीं राजा, मैं शाम को वहां मारूंगा जहां उसे पीने को पानी तक न मिले। वो शादीशुदा होकर मेरी हीरोइन को बुरी नजर से देखता है। उसकी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? हां, उसने रानी के लव के लिए शादी छोड़ा है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ जलवा? हमने अपने कान से सुना है। शाम ने रानी को देखा, रानी ने आंख मुस्कुराया, उसने डांस किया, रानी बहुत खुश है गोप से। रानी बहुत खुश है? मुझे कैदी बनाकर पहरे में रखा, जबरदस्ती मेरे सर पर सेहरा बांधा, लेकिन सच्ची मोहब्बत सब जंजीरें तोड़कर अपनी मंजिल तक आ पहुंची। मैं तो समझी थी आप कभी नहीं आएंगे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं दुनिया को छोड़ सकता हूं, तो मैं नहीं। सब कहते थे तुम शाम को भूल जाओ, वो कभी नहीं आएगा। उसने तुम्हें खिलौना समझकर तुमसे खेल खेला है। हाँ, मैंने खेल जरूर खेला है, लेकिन अपनी जान की बाजी भी लगाई है। श्याम बाबू, प्यार के सुंदर सपने दिखाकर कहीं आप मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? नहीं, अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं तो मेरे साथ चलो, मैं अभी तुमसे शादी करूंगा। इतनी जल्दी क्या है? जितनी भी जल्दी हो सके अच्छा है, मुझे भी तुम्हारी तरह डर लगा रहता है कि कहीं हम दोनों फिर से जुदा ना कर दिए जाए। लेकिन मैं बाबा से पूछे बगैर आपके साथ नहीं जा सकती। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? वो कभी इनकार नहीं कर सकते, मेरी खुशी के लिए तो हर वक्त परेशान रहते हैं। श्याम बाबू, आपसे मुझे कुछ कहना है। मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं, आप कुछ नहीं जानते, आप मेरे साथ आइए। श्याम बाबू बैठिए, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। फरमाइए। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि रानी मेरी जिंदगी की तमन्ना है, मैं उसके लिए अपनी दुनिया भुला बैठा हूं। लेकिन मैंने भी तो उसके लिए सब कुछ लुटा दिया है, मां बाप की इज्जत को ठुकरा कर उसे अपना बनाने आया हूं। तो फिर हम दोनों में से एक को आशा का दामन छोड़कर निराशा को गले लगाना होगा। इस बात का फैसला रानी कर सकती है। नहीं, फैसला मैं करूंगा। तुम्हारा मतलब? यही कि मैंने रानी से मोहब्बत की है, कोई खेल नहीं खेला है। अगर उसे तुमसे प्यार होता तो वो मेरे दिल में अपनी मोहब्बत की शमा रोशन न करती। ठीक है, मैं स्टेज का एक मस्करा,
लोगों को हंसाने वाला, रानी को अपने दिल का दर्द ना बता सका। उसकी मुस्कुराहट मुझे फरेब दे गई, उसमें हमदर्दी थी जिसे मैं प्यार समझा। श्याम बाबू, मैं रानी की एक खुशी के लिए अपनी तमाम खुशियां कुर्बान कर सकता हूं। कल मैं अपने हाथों उसका दामन तुम्हारे दामन से बांधूंगा। राजा, रानी अपनी मोहब्बत पाकर खुश होगी और मैं अपनी मोहब्बत लुटाकर। घबराने की कोई बात नहीं, मामूली चोटें हैं, थोड़े ही देर बाद होश में आ जाएगी। मैं अभी दवाई भेज दूंगा। जरा जल्दी भेजिएगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। रानी देवी, आपको राजा बाबू बुला रहे हैं। कह दो अभी आती हूँ। तुमने मुझे बुलाया है राजा? हाँ रानी, आओ बैठो, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। क्या कहना है? वही जिसकी तुम्हें मुझसे उम्मीद नहीं। क्या मतलब? ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि इतने दिनों तक मैंने तुम्हारी खामोशी से पूजा की है। मेरा दिल तुम्हें हमेशा प्यार करता रहा, लेकिन तुम्हें समझा ना सका। और जब समझाने का मौका आया तो तुम्हारे दिल पर शाम की मोहब्बत कब्जा कर चुकी थी। बीती हुई बातें दोहराने से क्या फायदा? मैं मजबूर हूं, बेबस हूं। तुमने मेरे दिल का दर्द नहीं समझा, लेकिन मैं तुम्हारे अरमानों को गम की आग में जलते हुए नहीं देख सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। तुम्हारा प्यार मुझसे कुछ मांग रहा है। मैं खुद तुम्हारी मोहब्बत में तड़पता रहूंगा, लेकिन तुमको निराश न होने दूंगा। तुम्हें क्या हो गया है राजा? तुम्हारी उम्मीदों की दुनिया शाम है, मैं उसे बर्बाद न होने दूंगा। मैं कल अपने हाथों से तुम्हारी शादी करूंगा। राजा! क्यों, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये कोई बड़ी बात नहीं। सच्ची मोहब्बत के अंदाज ऐसे ही होते। मैं खुशी खुशी तुम्हारी दुनिया को आबाद होते देखूंगा। लेकिन तुम्हारी दुनिया? वो सदा तुम्हारी याद से आबाद रहेगी। मोटा शेर जी, जलवा जी, शादी होगा। ओह, तेरी मेरी शादी? नहीं, तो श्याम और रानी की। श्याम और रानी की? और क्या कहा, श्याम और रानी की शादी? हाँ, और राजा खुद अपने हाथ से बनाता है शादी। राजा अपने हाथ से ये शादी कराएगा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर जान की खैरियत चाहते हो तो 2 घंटे के अंदर अपने आदमियों को यहाँ से ले जाओ। अगर दोबारा मेरे लड़के को खराब करने की कोशिश की तो तुमको जेल में भिजवा दूंगा, तुम्हारे थिएटर को आग लगवा दूंगा, समझे? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। कौन हो तुम? घर कहाँ है तुम्हारा? घर वो तो तुमने लूट लिया है। क्या कह रही हो तुम? मैं वही लड़की हूँ जिसकी झोली से खुशियाँ छीन कर तुम अपनी झोली भर रही हो, जिसकी मांग का सिंदूर लूट कर तुम अपनी मांग में लगाना चाहती हो। अच्छा, तो तुम वही लड़की हो जिसके साथ शाम की शादी होने वाली थी और हो न सकी। तुमने मेरे बचपन के साथी को मुझसे जुदा कर दिया। हम दोनों की सगाई बचपन में हो गई थी। हम एक साथ खेले, एक साथ मुस्कुराए, कितने प्यार भरे वादे किए, और जब उन वादों का पूरा होने का दिन आया
तो तुम कहीं से मेरे रास्ते में आ गई। तुमने मेरे शाम को मुझसे छीन लिया। तुम नाचने वाली किसी का घर आबाद करना क्या जानो? तुम तो डाली से फूल तोड़ना जानती हो, खिलाना नहीं। तुमने मेरे शाम को मुझसे जुदा कर दिया। अब मेरी जिंदगी भी ले लो। मैं मरना चाहती हूँ, मुझे बचाने की कोशिश न करो। मैं मरना चाहती हूँ। डाकिदार साहब, तुम फिर यहाँ आ गए? जी डाकिदार साहब, आप नाराज ना होइए, इस वक्त मैं आपका दोस्त बनकर आया हूँ। क्या कहना चाहते हो? अर्ज है कि आपका होनहार लड़का श्याम बाबू घर से भागकर फिर रानी के कदमों में आ पड़ा है। क्या कहा, शादी? जी ये शादी हरगिज नहीं होगी, समझे? यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर ये शादी हो गई तो आपकी जागीर का तख्ता उलट हो जाएगा और मेरे थिएटर में उल्लू बोलने लगेंगे, उल्लू। ओफ, उसकी ये हिम्मत। जी मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया, अब आप जानिए आपका बेटा। अच्छा आधा फर्ज ठहरो। फिर भी कुछ है? मेरे 21वें दोस्त हो जिसको मैं अपने हाथ में दूल्हा बना रहा हूँ। अम्मा यार घबराओ नहीं, तुम्हारी भी शादी जरूर होगी। हाँ नहीं श्याम, अपन तो दुनिया में कंवारे आए हैं और कंवारे ही जाएंगे। अगर यकीन ना हो तो ये देख लो, भगवान ने बीवी की लकीरी नहीं बनाई हाथ में। अरे यार ये कौन सी बड़ी बात है, चाकू से जितनी लकीरें कहो बना दूँ। हाँ चाकू से बनेगी बस। अरे परवाह मत करो, बनाएंगे क्यों नहीं। देखो जलवा, तुम सब यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। देखो रानी जल्दी आना, तुम्हारे डियर का दिल यूं यूं होता होगा। पूर्णिमा, ओ तुम? जी। तुमने ये फूल क्यों बांध रखे? तुम नहीं जानती, आज मैं अपने पिया से मिलने जा रही हूँ, मेरी शादी हो रही है। शादी किससे? शाम से। शाम से? तुम औरत नहीं, तुम डायन हो। उठाया हुआ हाथ रोका नहीं करते, डाल दीजिए इसके गले में हार, यही आपके काबिल है, इसे आपसे सच्चा प्यार है। मैं तो आपसे खेल रही थी। खेल? जीवन की बाजी लगाकर भी कभी किसी ने खेल खेला है? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो प्यार नहीं, एक दिखावा था। मैं थिएटर में काम करने वाली, भला सच्चे प्यार को क्या समझू। मेरी आंखें तो तुम्हारी दौलत पर लगी हुई थी, प्रेम का तो एक बहाना था।
ये झूठ है। तुम अपने आप को धोखा दे रही हो। नहीं, तुम अपने आप को फरेब दे रहे हो। तुम्हें मेरे मस्त इशारों ने और अदाओं ने पागल बना रखा है, लेकिन ये अदाएं सच्ची नहीं। इनके पीछे दौड़ने वाला जिंदगी के रास्ते से भटक जाता है। सच्ची अदा पूर्णिमा की खामोश शांति और संतोष की तस्वीर। मैं तो एक नदी की लहर हूं जो किनारे से टकराती है और उसे तोड़ फोड़ कर चली जाती है। हम नाचने वालियां अपनी कमर की लोच और आंखों के इशारों से पेट पालना जानती हैं, किसी का घर आबाद करना नहीं। खानदान की शोभा पूर्णिमा है, मैं दो पैसे की छोकरी आपके खानदान के काबिल नहीं। डाल दीजिए इसके गले में हार, यही आपके काबिल है। जब तुमने मुझे बहन कहा है तो बहन का फर्ज भी पूरा करने दो। मेरा आशीर्वाद ये सेंदूर सदा तुम्हारा सुहाग बनाए रखे। सुखी रहो। कहां है वो नाचने वाली जो मेरे बेटे को बर्बाद कर रही है? कौन? पूर्णिमा। संभालिए अपनी अमानत को, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। नहीं, आशीर्वाद की हकदार तुम हो बेटी। मैं तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। राजा कहाँ है गोप से? मैंने अभी अभी उसे बाहर जाते देखा है, न जाने कहाँ गया। शमान हो तो परवाना क्यों अपना आप जलाए।